कर दियो। ओके राधे राधे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सीधे बैठ जाएंगे। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि एक बार सीधे बैठ जाओ बेटा। गुड़िया इधर ध्यान दे नलायक। चलो अभी जल्दी से पहले क्लास शुरू करने के पहले एक बार प्यारी सी स्माइल, नहीं पहले गुड आफ्टरनून बोलो तुम। गुड आफ्टरनून, एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर। और मुझे आज वचन दो कि स्माइल कभी इधर उधर गायब नहीं होगी। पक्का? ओके, मुझे जानते हो आप? पक्का? कितने लोग नहीं जानते? नहीं जानते हो तुम मुझे? अच्छा, यू हर्ट मी यार। सो एनी विच वेज, तुम्हारे लिए बता देता हूँ, सी आनंद भांगड़िया हूँ मैं और अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, और अकाउंट्स की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कौन चीज हो सकती है? अकाउंट्स ही है। सो अकाउंट्स पूरे दिल से, तमन्ना से, अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से, जो भी मेरे जज्बात है, इमोशंस है, सारे जुड़े हुए अकाउंट से, उससे आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा पूरे दिल से, ठीक है? तो अभी आज हम एडवांस्ड अकाउंट्स की जर्नी को शुरू करेंगे। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो उन चीजों के बारे में आपको बताएंगे और फिर आगे बढ़ते। आर वी रेडी? यस। तो तुम्हारे लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तुम्हारे लिए मतलब क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो सब चीजें बताने के लिए, तो बता दूं क्या? YouTube के बच्चों, आप सभी लोगों को भी गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं कि आज का दिन थका देने वाला था। अभी दर्द हो रहा है? गिरे कहीं दर्द नहीं हो रहा? पीट ईट में झूठो, तकलीफ तो हो रही है, आराम के बाद में डायरेक्टली हो गए। बेटा बैठना वहां पीछे, बैठना उधर। हाँ इधर बैठ, कोई बात नहीं, फिर वो जहां बैठना बैठ। अरे वहां पर भी जगह है ना, उधर भी बैठ सकते हो। नहीं इधर बैठना, इधर बैठना, कोई बात नहीं। सो वेलकम टू एडवांस अकाउंट्स न्यू सिलेबस। ओके, पहली स्लाइड जो है बेटा जी वो सिलेबस की है, हम सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारे बाबा है एंड दिस इज ऑल व्हाट टाइम पास एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डू अलॉन्ग विद द स्टडीज। सो सिलेबस बेटा जी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगते हैं बता देने चाहिए वो। सिलेबस तो हमको लास्ट में लिखना शुरू करना है, फिर हम शुरू करेंगे, है ना? सो बेटा जी इस क्लास में जब आप आए हो तो पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ एज अ स्टूडेंट। लेट्स कीप इट दिस एज एन इंटरेक्टिव सेशन। इस पूरे जर्नी के दौरान आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम दोनों एक साइड में हैं, आप मुझसे अपोजिट नहीं हो, आपकी और मेरी लड़ाई नहीं है, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे, हम कोशिश करेंगे कि आप के मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी डाउट्स है, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो शेयर करेंगे आप मुझसे, तो आई बी एबल टू हेल्प यू आउट। तो मेरा पहला प्रश्न आज आप सभी स्टूडेंट से है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्लास से? और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल उचित प्रश्न पूछ रहा हूं। पहले ही अगर मैं 5 मिनट में प्रश्न पूछ रहा हूं तो मुझे लगता है कि हमारा विजन दोनों का सेट हो जाए सही से, तो मुझे लगता है हम सही से सेल कर लेंगे। तो आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है? यस बड़ी, ठीक है, थैंक यू। इन्होंने कहा एक माइक दे पाओ तो बढ़िया है ज्यादा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कौन क्या क्या बोल रहा है, और फिर मैं वो जो कमिट कर रहा हूं वो भाई होना चाहिए, ठीक है? यस राजा बेटा जी, लॉजिक के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। बिल्कुल सही। यस एंड यू सेड समथिंग, इफ यू कुड रिपीट इट फॉर एवरीवन। बेसिक से स्टार्ट होगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। वंडरफुल, एनीवन एल्स? बेस्ट गाइडेंस। ओके और कुछ? हाँ नोट्स। नोट्स ओके, डाउट क्लियरिंग एंड कभी-कभी सिली डाउट्स होते थे तो डांटे ना, ठीक है? ओके ऑलराइट। हाँ बेटा, अच्छा दो उधर भी माइक दो। अरे कमीनो, बाकी के बच्चे जो पूछ नहीं रहे डाउट्स या पूछ नहीं रहे क्वेश्चंस, सालों पैसे दिए तुमने, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके आई विल टेक केयर ऑफ, थैंक यू। यस बड़ी सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पूरी नॉलेज है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कांसेप्ट्स के लिए, कांसेप्ट के साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी उसके। वेरी गुड, ओके हाय सर, मायसेल्फ दिशा। यस दिशा जी बोलिए। यू आर द वन बिकॉज ऑफ हुम आई एम टेकिंग दिस मच ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एंटायर जर्नी, यू आर द रोल मॉडल आई कैन से इन माय लाइफ।
थैंक यू बेटा, थैंक यू। बट आपकी अपेक्षा क्या है सर? मेरी अपेक्षा ये है कि मैं जितना हार्डवर्क करना मतलब जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी, और मतलब आपकी गाइडेंस के हिसाब से मैं चलूँगी। मेरा CA फाउंडेशन थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, बट उसका जो मेन रीज़न है वो आप है। थैंक यू, मैं कोशिश करूँगा पूरी। ऑनलाइन वालों के क्या हुआ? कुछ बच्चों के ऐसे है, बेसिक से स्टार्ट, आई एम फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री, ओके, आप हमें कामयाब बना दोगे, ओके, आपके शब्दों का प्रचार स्पष्ट है काफी अच्छा। सर जैसे फाउंडेशन में स्टेप बाय स्टेप किया था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रैक्टिस, नोट्स और गाइडेंस तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रेगुलर लेक्चर हो, बेसिक से क्लियर हो, 90+ इन एडवांस अकाउंट्स। ओके, डाउट क्लियरिंग, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको कुछ चीजें तो आज इधर कसम खा के बता। हाँ बेटा, हाँ डार्लिंग बोलना। क्लास की स्पीड हमेशा मेंटेन रहे, कभी स्लो नहीं कभी ज्यादा नहीं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरीके से आपने क्लैरिटी के साथ ये बात करी मेरे साथ कि आपकी क्या क्या अपेक्षा है, तो मैं उन अपेक्षाओं पर किस तरीके से खरा उतरूंगा ये सब चीजें आपको पहले बताऊंगा, और बाद में मैं कसम खाऊंगा कि भाई साहब मैं इन सभी चीजों पर अच्छे से काम करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्चुअली है ना डर लगता है, मैं थोड़ा सा अभी अलग किस्म का आदमी हूं, मुझे बुरे कर्म से थोड़ा सा डर लगता है ऐसा कुछ, तो मैं तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा, आगे धीरे धीरे देखते हैं। बट साथ साथ आपको मेरे से अपेक्षा है, मुझे आपसे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं वो भी बताऊंगा, तो फिर आप भी वो कसम खाएंगे और हम वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, है ना? वी आर टीम, राइट? जय भद्रकाली, यू रिमेंबर, वी आर टीम, ओके। So we're gonna decide it together and then we'll go ahead. All right? So Raja बेटा जी, पहले कुछ बच्चों ने बोला था कि बुक्स कैसी होनी चाहिए, आपको इंटरेक्टिव कलर नोट्स होने चाहिए। आज इधर खड़ा होकर काफी गर्व महसूस करता हूं मैं खुद पर और मेरी टीम पर कि जिन लोगों ने मिलकर एक अच्छी खासी एक बुक ऐसी बनाई है जो मुझे लगता है कि इज गोइंग टू बी अ बेंचमार्क एंड इट्स ऑलरेडी अ बेंचमार्क एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस टू मोर बुक्स, उसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूंगा फिर हम आगे की बात करते हैं। सो ये बुक्स के बारे में अगर हम देखें, सो बेटा जी एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट बुक है, इसके अंदर चैप्टर डील होंगे और वो चैप्टर होंगे व्हाट आई कैन से लाइक फॉर एग्जांपल अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टॉपिक्स डील होते हैं इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं एडवांस अकाउंट्स का बोध, ये वाली बुक्स है, ओके। इसका नाम क्या है? एडवांस अकाउंट्स का बोध। ये कितने पार्ट्स में बनेगी? दो। फिर देन देयर इज AS का आनंद। एक्चुअली AS का आनंद पहले ऐसे होती थी बट इधर रखने में तकलीफ होती थी, इसलिए हमने उसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो AS, अगर मान लो किसी बच्चे को घर पर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बुक मिली तो चिंता ना करें, द कंटेंट इज वन एंड द सेम, इट जस्ट दैट द फॉर्मेटिंग हैज चेंज्ड, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो AS का आनंद जो बुक है इसके चार पार्ट है वर्टिकल सेक्शन में, हाउ मेनी पार्ट्स? फोर। और राजा बेटा जी उसके बाद में AS का आनंद, ये बैरेक्ट है, ये बैरेक्ट आपको डिजिटल कॉपी में मिलेगी PDF के फॉर्मेट में, इस बुक को हम कभी कभार रेफर करेंगे जिसके अंदर हम AS की बैरटेक्स्ट देखेंगे, इज दैट ओके? सो बेटा जी अगर मैं आपको बताऊं तो AS की कितनी बुक्स है? चार। और इसकी कितनी बुक्स है जो चैप्टर से उसकी बुक्स है? दो। और आपको AS का और एक क्या मिलेगा? बैरटेक्स्ट। बट ये बैरटेक्स्ट हम रेफर करना है नहीं, कभी कभार हम रेफर करेंगे, कभी मान लो आर्टिकलशिप में भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, इज दैट ओके? थोड़ा AC का देखना यार, कुछ गर्मी हो रही है। अभी मैं आपको ये बुक के फीचर्स बता देता हूं, तो ये बुक कलर बुक होगी, इस बुक के अंदर आपको रियल लाइफ केस स्टडीज मिलेगी, जैसे ये बायबैक की केस स्टडी है बेटा, TCS ने रिसेंटली बायबैक अनाउंस किया था, तो बायबैक की केस स्टडी, उसका न्यूज आर्टिकल वगैरह, ताकि हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। बेटा जी कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स अब सिर्फ टैली टैली नहीं रहा, उसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनते हैं, तो रियल लाइफ के आपको डिस्क्लोजर्स देखने को मिलेंगे यहां पर, जैसे ITC कंपनी के, जिन कंपनियों को आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो उन सभी कंपनियों को आपको डिस्क्लोजर्स मिलेंगे, इज दैट ओके? और राजा बेटा जी यहां पर रिकैप नाम से एक चीज है, फटाफट इस चीज के अंदर राजा बेटा जी आप समरीज लिख सकते हो, राइट? ये सारी चीजें आप यहां पर आराम से कर सकते हो। देन माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इनटू दिस,
और कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स भी है इसके अंदर जो आपके टेक्स्ट बुक में शुरुआत के पार्ट में रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन बैंक तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, पहले होंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, फिर होंगे कुछ और एडवांस क्वेश्चंस उसके कंपैरिजन में, और एक लास्ट सेक्शन होगा जिस सेक्शन में आपको रहेंगे थोड़े से और एडवांस्ड क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। एक्चुअली होता क्या है कि मेरा एक रूल है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो आईसीआई की किसी भी टेक्स्ट बुक में या बुक में आए हैं वो इंक्लूड कर लूंगा। मैं अभी आज ही आपको वचन दे देता हूं इस चीज का कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टेक्स्ट बुक में से आएगा, और आपको पास करने के लिए बुक मोर देन सफिशियंट है, आपको कोई और बुक देखने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि आईसीआई का मॉड्यूल या मटेरियल कोई भी कम क्वालिटी का, मैं आपको बताऊं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल बनाया आईसीआई ने, बट उसके सारे प्रॉब्लम हमने जब यहां पर ले लिए तो आपको वो सेपरेटली और एक बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहे उसको तो बिल्कुल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या ये बात समझ आई आपको? ऑल राइट, कहां गए हम? और राजा बेटा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो सेक्शंस और आ गए, पहले कॉन्सेप्ट सेक्शन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है जिसके अंदर सब बेसिक बेसिक और डिफरेंट क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद में क्या बेटा जी, एक और सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं येलो सेक्शन, और एक सेक्शन है उसके आगे बताओ भाई ग्रीन सेक्शन। तो ऐसे दो सेक्शन है, ग्रीन सेक्शन में क्या होंगे बेटा जी, जो और एडिशनल क्वेश्चन है वो उसके अंदर आगे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तब उसके साथ हम इसका डिस्कशन कर लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। इज दैट ओके? बुक्स के अंदर हर जगह आपको ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे जो हर एक क्वेश्चन के नीचे होंगे। शैल आई रिपीट इट? बुक के नीचे जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी के नीचे कुछ एम्प्टी स्पेसेस है जो बॉक्सेस है खाली वाले। इज दैट ओके? क्यों है बताता हूं। सो अभी एक बार आपको मैं बता दूं, जब आप चैप्टर्स मेरे साथ पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि आपको उसकी जो नोटबुक बनानी है उस नोटबुक में नंबरिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। आज हम थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं कि आप फेल क्यों होंगे, अगर आप मुझे बता पाए तो। एक बार माइक दे दे भाई, आप फेल क्यों होंगे? सर अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखे है ना, आपके गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए तो। ठीक है, ये बोल रही गाइडेंस नहीं फॉलो किए तो, बट मैं नहीं मानता, मैं एकलव्य में ज्यादा मानता हूँ। कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक करा तो। एक सेकंड, मैं एकलव्य में ज्यादा मानता हूँ, मुझे नहीं लगता टीचर जरूरी है मेरे जैसा कोई भी, मुझे लगता है पर्याप्त है, आप हो जाएंगे पास, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एकलव्य भी तो ऐसे ही एकलव्य बने थे ना, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत सुप्रीम हूं और बहुत भारी हूं और मेरे वजह से आप पास होंगे, ये मिथ्या है, ये गलत है। यस बड़ी, कंसिस्टेंसी ब्रेक करा तो। कंसिस्टेंसी ब्रेक किया तो थोड़ी बहुत तो ब्रेक होती ही है, मूड स्विंग्स आते हैं हमें, नहीं आते मूड स्विंग्स? नहीं है तो हम इंसान ही नहीं है, फिर तो हम मशीन हो जाएंगे। सो मूड स्विंग्स आएंगे, कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होगी, मुझे नहीं लगता कि हर बार उसकी वजह से फेल होंगे आप। यस, किसके वजह से फेल होंगे? यस हाँ, दे दे जल्दी जल्दी भाई, दे भाई जल्दी जल्दी घुमो, तुम ऐसे सुस्त मुर्गों के जैसे मत रहो। सिलेबस बहुत सारा है, अगर उसको कवर करने के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो, बैकलॉग क्रिएट किया तो। ओके, सिलेबस बहुत सारा है, बैकलॉग क्रिएट हो गया तो, मैनेज नहीं हुआ तो, वगैरह वगैरह। और कौन? यस बड़ी, उसको दो। यस, प्रॉपर रिवीजन नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। दो दो उसको माइक, दो हाथ में। ऑनलाइन लेवल तुमको क्या, प्रैक्टिस नहीं की तो, रिविजन नहीं किया तो, स्लैन स्टडी प्लान नहीं किया तो, ओके गो अहेड। हाँ, और वो बच्चा तुम्हें कुछ बोलना था? सर लेक्चर सारे करके अच्छे से करके जब सेल्फ स्टडी के टाइम अगर प्लानिंग एग्जीक्यूट सही से नहीं हुआ तो। सेल्फ स्टडी के वक्त प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो, ठीक है। हाँ बेटा, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की तो। यस, टेस्ट सीरीज ओके। सर अगर कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा और जो भी टारगेट्स बनाए हैं उनको नहीं अचीव किया रोज? टारगेट्स अचीव नहीं होते बेटा, होते नहीं, हम जनरली आस्किंग यू। सर मैंने तो फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ा था कि अपने पार्टी के टारगेट्स बनाए थे और रात में उनको अचीव करके ही सोती थी। आई विल आस्क इन दिस क्लास हाउ मेनी ऑफ द किड्स कुड अचीव देयर टारगेट्स एवरी डे। You are exceptional बेटा, you are exceptional, I'm genuine on that, okay? But generally मैंने जो मेरे लाइफ में बच्चों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेसिस पर मुझे ऐसा लगता है कि हर बार टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, बट बावजूद उसके सेल्फ स्टडी थी फाउंडेशन में भी तो मैं तो टारगेट बना के। Can we clap for this girl? Wonderful. What a headshot था, बहुत जबरदस्त। तो तुम्हें पता है ना मैंने कहा था कि एकलव्य हुए थे,
ये एकलव्य है, क्लासेस की जरूरत मुझे नहीं लगती। अच्छा मैं थोड़ा सा ब्लंट आदमी हूँ, थोड़ा सा क्लास में सच ही बोलता हूँ। ओके, मैं अभी तक वैसा बना नहीं हूँ जैसे ऐसे बन गया, और मैं ना बनना चाहूंगा ऐसा। सो आपको अब समझाता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि व्यक्ति पास या फेल क्यों होता है। आप जब इस प्रेस्टीज पॉइंट पे आए, ऑनलाइन वालों को तो वीडियोस के माध्यम से और बाकी के माध्यम से आपको ये चीज आइडिया लगी गई होगी कि बहुत जगह बहुत वराइड और डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं आपको, राइट। ओपिनियंस कई सारी चीजों में रेंज करते हैं कि कौन सा टीचर आपने लेना चाहिए, कौन से टीचर आपने नहीं लेने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी जब आप प्रेस्टीज पॉइंट पर इधर घूमे हो अभी आप, तो आप मुझे बताइए यहां पर खाने के कितने स्टॉल्स है, वराइटीज है बहुत सारे, आपने देखा ये, मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब आपको हर चीज यहां पर मिल जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वराइटी बहुत है तो वराइटी कहां पर रहेगी, जहां पर फुटफॉल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर खाना बच्चों के टेस्ट के हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया है। भारत का मार्केट बहुत जोरदार है, भारत के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो रस्ते पर आपको क्रिसमस के पहले क्रिसमस के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, दिवाली के पहले दिवाली के आइटम, वैलेंटाइन डे के पहले वैलेंटाइन डे के आइटम्स, यस और नो, और 26 जनवरी के पहले 26 जनवरी के आइटम। मतलब जिनकी एजुकेशन नहीं है वो कस्टमर बेस के हिसाब से आइटम्स जनरेट कर देते हैं। बोलने का तात्पर्य सर ये था कि प्रेस्टीज पॉइंट एक उदाहरण ऐसा हो सकता है जहां पर बहु क्या बोलते बहुसंख्या लोग आते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से, और उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर जगह है। तो मार्केट प्लेस हुई, इस मार्केट प्लेस में आपको अलग अलग क्लासेस मिलती है, अलग अलग लोग मिलेंगे जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, यस और नो। बेटा जी इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर काम नहीं करेगा। अगर आज मैं टीचर हूं तो मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता ऐसा शायद ही कोई टीचर होगा। तो मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहता बाय गिविंग यू ऑल दो स्टूपिड पॉइंट्स विच आई थिंक डोंट वर्क, दे आर गोइंग टू बी देयर व्हेन यू आर इन द मार्केट। जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा होगा कि अगर कोई मोबाइल बोलता है तो मोबाइल बोला मतलब उससे फोन आएगा, फोन जाएगा, ये अज्यूम्ड है। तो इस क्लास में जब आप बैठे हो तो ये अज्यूम कर लो कि जो जो पॉइंट्स आपके दिल में ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फलाना ढींगड़ा वगैरह वगैरह, वो सब है। वेयर आई एम डिफरेंट आई वुड लाइक टू टेल यू, सो आई वर्क ऑन स्ट्रैटेजी। आई वर्क ऑन व्हाट? आई एम नॉट दैट गाय की हु वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, so I have come a long way. So let me show you some photographs so that you will understand what I'm trying to tell you. So no, not now. So he is my student. खेती नहीं है इनकी, गन्ना तोड़ते हैं, right? आप ये वही है, ये इनकी मम्मी, ये इनकी स्कूल, ये बंदा, ये इनके दादाजी के साथ, और ये इनकी पाठशाला, और अगर ये देखेंगे तो इनकी दादी जी पक्के आदिवासी। मतलब आप अगर मेरे YouTube चैनल पर जाकर देखेंगे इनका इंटरव्यू तो पता चलेगा कि ये व्यक्ति के दादाजी एक्चुअली जंगल में रहते थे, है ना। और अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, अरे कहां गई वो तस्वीर, अच्छा वो मैंने सस्पेंस में रखी थी ना, वो इधर नहीं डाली, हाँ मैं बोला वो दिख जाएगी नहीं तो फिर मैं ही भूल गया। खुलजा सिम सिम, ये प्रसाद एसपीसी तेरे को क्यों गए रे, गलती से भेज दिया। तुम इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हो, इसका इंटरव्यू देखना मैं जब आपको बताता हूं उसमें। इस आदमी को प्लस का मतलब पता नहीं था, माइनस का मतलब पता नहीं था, क्योंकि मराठी में सीख के आया था, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, ये सब भागीले वगैरह, इसको डिवीजन बोलते थे तो ही यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड। इस बच्चे का फर्स्ट वर्ड था एनालिसिस, बोले तो क्या पता नहीं। सो देन ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एनालिसिस की विश्लेषण,
इस तरीके से अभी भी बहुत अच्छी मराठी में बोलेगा, और मराठी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगी कि बहुत क्लोज है जैसे पुराने लोग बोला करते थे, ए रसगुल्लो। ये सीए बना क्योंकि ये मोटिवेटेड था। अगर आदमी मोटिवेटेड रहे तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी बन सकते हैं। क्या सुविधाएं थी बताओ मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पास? मतलब इतनी वाहियात कंडीशन में रहने के बावजूद वह आदमी एक बड़े मुकाम पर जाता है, भारत का संविधान लिखते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। छोटी मोटी चीजें नहीं है। आपके पास वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो विजन होना चाहिए कि वो विजन क्या है। और एज योर टीचर आई वुड वर्क ऑन योर मोटिवेशन ऑन डे टू डे बेसिस। आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा, आपको गिरने नहीं दूंगा। फर्स्ट चीज आपकी विजन डिसाइड हो जानी चाहिए। विजन डिसाइड हो जाने के बाद में हमें हर रोज उसके लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप मोटिवेटेड रहते तो वी विल बी एबल टू अचीव इट। डू यू एग्री और नॉट? तुम कितने कच्चे हो बेसिक्स में, उसको क्वेश्चन करना बंद करो अभी। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति डाउट में शादी करता है वो शादी फेल होनी है। अरेंज मैरिज, लड़का लड़की, लड़का लड़की को देखकर ये सोच रहा है शायद इसका कहीं और अफेयर है, फिर भी वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद में उनकी शादी टूट जाती है। ये बात सही है कि गलत है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सर जी, आप मुझे बताइए, पूरे सिनारियो में एक ऐसी चीज है जो है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है विथ कॉम्पिटेंस। मेरे गुरु ने किसी समय मुझे कहा था, कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज फॉलो कॉम्पिटेंस। इस लाइन का मीनिंग कोई बता सकता है? कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज फॉलो कॉम्पिटेंस, क्या मीनिंग है इसका? एग्जैक्टली नहीं बता सकते, कोशिश कर लो। अरे कमीनो कुछ तो बोलो। अरे माइक दे रहे तुम, कौन है रसगुल्ले इधर? माइक देना उसको, हाथ ऊपर कर रहा ना। अच्छा उसको अभी सो लाइक कंपटीशन होता है ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमको करना है, इनसे आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ। अच्छा और सो कॉम? यस बड़ी, मतलब जो आदमी कॉन्फिडेंट मतलब कॉम्पिटेंट है वो अपने आप कॉन्फिडेंट होगा। कैन वी क्लैप फॉर दिस गाय? कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? कितने लोग कार चलानी आती है? कितने लोग कार कॉन्फिडेंटली चलाते हैं? कुछ हाथ नीचे हुए। तो आपको बताऊं क्या, कॉम्पिटेंस का मतलब यह होता है कि जब आप कार चलाते हो और आपने इस तरीके से कार सीखी कि उसके बाद मैं आप उसको आराम से चला सकते हो, जब ये आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उसको चला लोगे। मेरे चाचा थे, हमारी नई नई गाड़ी आई थी तो चाचा को किसी ने मोटिवेट किया। ऐसा एक लंबा रास्ता था ना, सीधा सीधा, तो चाचा को बोला चाचा आप बैठो, सेंट्रो की कार थी लाल कलर की, मुझे आज भी याद है, और बोला कि आप बैठो और सीधा सीधा ही लेना, स्टीयरिंग सीधी रखनी है। चाचा मानने को तैयार नहीं, बहुत ठूस ठूस के हमने कॉन्फिडेंस दिया। अरे चाचा बैठो कुछ नहीं होएगा, चाचा बैठो कुछ नहीं होएगा, हम चारों बच्चे छोटे। चाचा बैठे, चालू किया और स्टीयरिंग पावर व्हील थी तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ किया, उनको थोड़ा बहुत आता था, एक्सेलेटर पर पैर रहेगा, धड़ाम कर सामने वाली वॉल पर गई वो। चाचा को छोड़ के हम वहीं के वहीं भागे। बोला चाचा तुम निपटो अभी पापा से और तुम्हारे बड़े भाई से, हम छोड़कर भाग गए। चाचा उसके बाद में आज तक कभी गाड़ी नहीं चलाया। और यह सत्य घटना पर आधारित है। एक होता है इमोशनल कॉन्फिडेंस विच इज यूजलेस, दिस वॉज अ इमोशनल कॉन्फिडेंस, यू डिड नॉट हैव अ कॉम्पिटेंस। इफ यू हैव अ कॉम्पिटेंस ओनली देन माई डियर फ्रेंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, एंड यू हैव टू अप्रोच योर एग्जाम विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ओनली देन यू विल पास इन द एग्जाम। फर्स्ट पेपर ऑफ अकाउंट सीए फाउंडेशन, कितने बच्चे डरे थे? पहला पेपर था सीए का, डरने वाली कोई बात नहीं, अपन मैंने बताया था ना अपन एक साइड में, कितने लोग डरे थे राइट? तो राजा बेटा जी मैंने आपको कहा कि मैं आपके मोटिवेशन पर काम करूंगा, ये जो डर है ये मुझे डर नहीं चाहिए आपके एग्जाम के एक दिन पहले। तो मैं आज आपको वचन देता हूं, जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसके अगले दिन आप पेपर लिखने के काबिल रहोगे, बट दिस प्रॉमिस कम्स विथ कंडीशन अप्लाई। मैंने बोला कुछ मेरे एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति और कुछ मेरे भी एक्सपेक्टेशन है आपके प्रति, है ना? तो कंडीशन अप्लाई समझ में आ गया ना, नहीं तो बुम्बा बुम करोगे मेरे नाम से। तो क्या समझ में आया? मैं आपको यहां पर और क्या चीज दूंगा, मोटिवेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड इट वुड बी बेसिकली इन लाइन विथ वॉट एवर द स्टूडेंट्स फील ऑन दोज लाइन्स। नाउ द सेकेंड बेस्ट थिंग विच विल बी डूइंग इट इन दिस क्लास, सो कैन आई डू समथिंग हियर ऑन द पावर पॉइंट एंड टेल यू? ये एएस की बुक के बारे में बाद में बताता हूं बेटा, अभी मैं आपको बताऊं, क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सभी को रहती है राइट?
सो ये रिविजन बुक्स बनाई है बेटा मैंने, ये दो रिविजन बुक्स है, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी फ्री में, और उसके रिविजन लेक्चर्स भी मिलेंगे। बड़े गर्व के साथ कहता हूं बेटा जी, भारत में इकलौती ऐसी बुक है जो ऐसी है जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। मतलब समझने की कोशिश करना, ये दो रिविजन बुक और ये पांच बुक, और तेरी कभी गिर जाएगा तो क्या करेगा, इन दोनों में कंटेंट सेम है, बट इससे आप आराम से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो, मैंने बताया किसी कुछ बच्चों को, कसाब जिनको फांसी हुई, राइट, तो बेटा जी उनकी चार्जशीट निकम जी ने फाइल की थी, नहीं उनकी चार्जशीट मतलब पुलिस ने फाइल की थी, द चार्जशीट रैन इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, बट उज्जवल निकम, उज्जवल निकम इसलिए नहीं बनते कि वो सारे पॉइंट्स को किसी भी रैंडम दिशा में डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उज्जवल निकम इसलिए उज्जवल निकम बनते हैं क्योंकि वो उतनी बड़ी चार्जशीट को अच्छे से स्टडी कर उसको लॉ का इंटरप्रिटेशन डालकर, मोटी मोटी बुक्स कैरी नहीं करते, वो उसके ऊपर चिट लगाकर कुछ अपने समरी पॉइंट्स लेके आते हैं और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते कोर्ट में। सक्सेसफुल होने की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि क्या आप बड़ी चीजों को संक्षेप में छोटा कर बता सकते हो, क्या आप उसको इजीली कर सकते हो क्या, यह स्ट्रेटेजी का हिस्सा हुआ। मुद्दा यह है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं वचन दे देता हूं सर, आप कोई भी क्लास में जाओगे आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम यह आती है कि जब पीएल में चले जाए, जब एग्जाम हॉल में मैं बैठता हूं, जब मुझे डर लगता है, जब मुझे रिवाइज करना होता है, तब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। कुछ लोग बेटा आपके जैसे बहुत होनहार होते हैं कि जो टारगेट बनाकर आगे बढ़ जाते, बट ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनमें क्षमताएं तो है बट कोई ये बताता ही नहीं है कि किस तरीके से उसका रिवीजन किया जाए, किस तरीके से पढ़े। ओके, तो उसके ऊपर मैंने काम किया और गर्व से कह रहा हूं, अभी मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं, ये बात ऐसी है जो मैं प्रूफ कर चुका हूं, आपके सामने बच्चे लाकर खड़े कर दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लेना वो आंसर दे देंगे। ये रहा यहां पर, इसके लेक्चर्स भी है आगे ना चिन्मय, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो बुक्स पलट रही है, लेफ्ट साइड की जो बुक पलट रही है वो रेगुलर बैच की बुक है, और राइट हैंड साइड की बुक जो पलट रही है वो रिवीजन बैच की बुक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेगुलर लेक्चर्स इसके हुए थे 10 घंटे, हुए थे 20 पन्ने, थे 25 और क्वेश्चंस थे 63। समझ में आई बात? ये रेगुलर बैच में मैं आपके ऊपर संस्कार करूंगा जिसके अंदर सारा मटेरियल कवर हो गया। अब बेटा प्रॉब्लम तो यह है ना कि 63 क्वेश्चंस में से करने कौन से आ गए, करूं कैसे और। तो राजा बेटा जी, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई टूल अगर आपके पास मिल जाए जिसके थ्रू इसका पूरा का पूरा हम समराइज कर हमारे पास यह हो जाए कि हमें एग्जाम के पहले क्या करके जाना है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या एग्जाम के पहले आप सब कुछ पढ़कर जा सकते हो क्या? दिस इज अगेंस्ट आर नेचर यार, नहीं हो पाएगा। वो कैसे पढ़ लूंगा मैं यार, इतनी 5 बुक्स कैसे पढ़ लूंगा एक दिन में, नॉट पॉसिबल। सो ये देखिए इधर कितने लेक्चर है, 3, कितने घंटे के टोटल, 5, मतलब 20 घंटों को मैंने कन्वर्ट कर दिया कितने में, 5 घंटे में, मतलब 25% एफर्ट में आपका एक काम हो जाएगा। और कितने पेजेस है, 14, और क्वेश्चन कितने, 14 प्लस मॉड्यूल, और मेरा भरोसा मानो मॉड्यूल का एक अन एक क्वेश्चन मैंने इन्हीं 5 घंटों में सॉल्व किया है। समझ गया? तो बताइए मुझे, पास होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी विशाल चीजें हैं उसको समराइज करते आना चाहिए, और समराइज करते वक्त उनमें से जो बेसिक कोर कंटेंट है वो कहीं छूटे नहीं। तो आपको हर एक मॉड्यूल का प्रॉब्लम आना चाहिए, और मॉड्यूल का प्रॉब्लम रिवाइज करते आना चाहिए कितने समय में। तो बेटा जी, मैंने आपके सामने क्या प्रस्तुत किया कि जो कंप्लीट होने वाला कितने में, 5 घंटे में, जिसके अंदर 14 क्वेश्चन प्लस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन मैंने किए। अगर आप चाहे तो मैं आपको वीडियोज दे सकता हूं, और आप यू कैन गो एंड चेक इट अप कि मैंने किया है कि नहीं किया। ए रसगुल्ले बच्चों, सेकेंड पॉइंट क्या समझा? पहला वाला मोटिवेशन, आई कीप यू मोटिवेटेड। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्ट्रैटेजी। पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है। सब लोगों में वही कंटेंट है, सब लोगों के अंदर वही विचार क्षमता के साथ इधर लोग बैठे हैं। गड़बड़ होती है सिर्फ स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट। इसमें पहले अटेम्प्ट में ही आपको कितने महीने मिलते हैं? 9 महीने मिलते हैं, सही है। बाकी के सभी अटेम्प्ट में आपको कितने महीने मिलेंगे? कौन से 4 महीने सर? 3 महीने भी मुश्किल से मिलते हैं।
वहां जाके हम चक्रव्यूह में अटक जाते हैं। पहले अटेम्प्ट में आप पास होंगे कि फेल होंगे सर मुझे नहीं पता, बट हमारी प्रिपरेशन कम हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी पर जो मैंने आपके क्लास के लिए काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि तीन मुख्य कारण है जिसकी वजह से आप फेल होंगे। तो पहला कारण यह है कि आप एग्जाम में जब गए तब आप डर गए, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, आप भूलने लगे चीजों को। ऐसी कई सारी घटनाएं विद्यार्थियों के साथ होती है जिसमें एग्जाम के पहले बीमार हो जाना, ये सब घटनाएं प्रमुखता आती है। तो इसके लिए आपको गाइडेंस करी जाएगी कि एग्जाम हॉल में जाने के पहले आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। जैसे एक पेड़ को हम लगाते हैं 7-8 महीने पहले, तब जाके उसका फल आता है फ्यूचर में, उसी प्रकार आपके साथ में भी संस्कार ऐसे ही करने पड़ेंगे कि जिसका पेड़ या बीज अभी लग रहा है, फल 7-8-9 महीने के बाद में आने वाले, तब तक आपको बड़े पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूं ना? 9 महीने के बाद में आपको फल मिलेगा और आपको कंसिस्टेंटली काम कर, 9 महीने तक तो आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, इनफैक्ट रिजल्ट के दिन पता चलेगा फल निकला है कि नहीं निकला है। तो संस्कारों में एक बात है कि आप एग्जाम हॉल में डरो नहीं, उसके लिए हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जीने की और निडर होने की। डरपोक लोग जाकर फाइट नहीं कर सकते भाई मैदान में, फिर वो शस्त्र डाल देते हैं और शस्त्र डालने के बाद में हमारे अगेंस्ट में ही गुप्तचर का काम करते हैं उनके साथ में। ये बात पता है कि नहीं पता है? कमजोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। रूल नंबर 1, आपको कमजोर नहीं बनना है, तभी आप जाके एग्जाम में कर पाएंगे। और जहां तक आपके पेपर लिखने की बात आई, तो वो पेपर लिखने के लिए हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे यहां पर क्लास में ऑन एवरी सिंगल डे बेसिस। जैसे एक बार कोर्स सिलेबस शुरू हो जाएगा, हम हर रोज टाइमर पर काम करेंगे। आपको भी होमवर्क टाइमर पर करना होगा, हर रोज आपको एक गाइडेंस होगी कि ये कितने समय में आपको करना चाहिए, आपके टारगेट और उसके बेसिस पर, मतलब एक स्टैंडर्ड चीज दी जाएगी, उसके अगेंस्ट में आपने कितने समय में कंप्लीट किया। और आप हमेशा मुझे एक प्रॉमिस करके जाओगे कि सर मेरी जो भी परिस्थिति, मैं जैसा भी हूं, मुझे स्वीकार है, बट मैं हर रोज इंप्रूव करूंगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप किसी से कम हो, मैं बोल रहा हूं नहीं हो कम। अगर ये व्यक्ति जिसकी मैंने फोटो बताई वो पास हो सकता है, तो आप कैसे नहीं हो सकते हो? सर मैं स्वीकार नहीं करता इस क्लास में। पास तो हो सकते हो, बस मसला यह है कि आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे। और हर रोज मुझे इतना ही वचन देके जाओगे, आप जो कल का लेवल था उससे आज थोड़े से बेहतर होगे। कितने बेहतर हो मुझे उससे फर्क ही नहीं है, मुझे परवाह ही नहीं है। आप 0.001% भी इंप्रूव हो रहे हो, मुझे मेरे लिए वो काफी है। मैं उसमें आपको कहीं पर भी इथिकल तरीके से या मॉरली आपको उसमें तकलीफ नहीं दूंगा। बट क्या आप मुझे इतना प्रॉमिस कर सकते हो कि आप हर रोज इंप्रूव करोगे तो हम एग्जाम के पहले निडर हो जाएंगे? और आपको लगता है कि हमें निडर होना है? तो निडर होना है और फास्ट लिखना, यह हमारी प्रायोरिटी रहेगी। क्लियर? उसके बाद में आते हैं सेकंड पीएल, उसके पहले वाला टाइम। पीएल में आपका प्रॉब्लम यह आता है कि कहां से शुरुआत करूं पता ही नहीं है। एक बार कैलकुलेटर अगर आप निकाले तो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। कैलकुलेटर निकालेंगे आप? बहुत लॉजिकल बात करूंगा। इधर मुझे बताइए 300 के ऊपर कितने बच्चों को मार्क्स मिले इधर? Wow, so many people, very good, keep up the good work. All right, 200 mark किसको मिले? .200, .200, wow, आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई, आपने बिल्कुल उतनी पढ़ाई की जितने की जरूरत थी। ये 300 वाले नलायक है, ये ज्यादा पढ़ गया है ना, चल किसी और बच्चे के मार्क्स खा गए, गलत गलत करते हैं ये लोग। 200 वाले कितने प्यारे बच्चे, मैं आज आपको बता दूं, 200 मिले, 300 मिले, 350 मिले, कोई फर्क नहीं है, सब लोग सेम है, सब लोग सेम है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं 200 और 300 का माइंडसेट कैसे काम करता है, उसके ऊपर फोकस करना, और चाहिए तो मैं इनसे पूछकर आपको बता दूंगा कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, तो लो कैलकुलेटर पर। आपको पीएल कब से शुरू होगी? अगस्त से होगी शुरू। हाँ, अगस्त में होगी, दोनों ग्रुप देंगे तो अगस्त से पीएल शुरू होगी, राइट? 15 अगस्त मान के चले, अगस्त के 16 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, सर जी आपके हो गए, वेरी गुड, आपके डेज हो गए 76, सेफर साइड 80 डेज मान लो, बराबर है 80 दिन। अच्छा, 200 जिनके मार्क्स है, बेटा कोई झूठ नहीं बोलता अपनी क्लास में, अपन दोनों एक साथ है ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप हर रोज, बताओ तो सर। अदिति तुम भी 200 है क्या? अच्छा, कितने कितने घंटे पढ़ाई करती थी? हाँ बोलना,
वेरी गुड, कभी कभी की तो की, नहीं तो नहीं की। और 300 मार्क वाले तुम इधर, 300 प्लस वाला कौन था वो? कितने घंटे पढ़ाई करी? नहीं किया ऐसे रेगुलरली? हाँ 10 से 11 घंटे हर रोज पढ़ाई करी। लोगों की इधर ही पढ़ गई। अरे भाई ठीक है, बैठ जाते बैठ जाते बैठ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों ने पढ़ाई करी ऐसे दबा के? चलो भाई सर आपने हाथ ऊपर किया, कितने घंटे पढ़ाई करी? ये बोल रहा 9 से 10 घंटे। आप कितने बोल रहे बेटा? 6 घंटे। इधर कोई है जो इधर से बताना चाहेगा? यस हाँ भाई, 8 आवर्स, वेरी गुड। बता दूं अभी आपको, मैं एट एन एवरेज ले रहा हूं 10 घंटे ले सकता हूं। 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 80 दिन 10 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? लो 80 × 10, मेरे हिसाब से हो गए 800 आवर्स। वाओ, नाउ डिवाइड इट बाय 6 सब्जेक्ट, डिवाइड बाय 6, वाओ 133। शैल आई अज्यूम 135 ऑन द सेफर साइड? तो मेरे पास एक सब्जेक्ट के लिए रहे 135 आवर्स। राजा बेटा जी, अब जरा एक बार थोड़ा सा कच्चा पक्का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप मेरे साथ कब तक हो? 22 मई तक, राइट? 3 घंटे के आसपास मैं आपको पढ़ाऊंगा अराउंड 230 से लेकर 260 आवर्स के आसपास, 260 घंटे। बट आपको पीएल में इस सब्जेक्ट के लिए कितना समय मिलेगा? 135 आवर्स। बट 135 आवर्स में एक रीडिंग नहीं करनी है, चार तो नहीं बट कम से कम माने 2 रीडिंग तो करेंगे, हा या ना? सो डिवाइड बाय 2, कितना समय मिल रहा है मुझे? 67.5 या 67 आवर्स मिलेंगे एक रिवीजन के लिए। बेटा मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूं आपको लगता है ये फैक्ट है, आप फेल इसलिए नहीं होंगे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी, वो बाप रहेगी। आप फेल इसलिए होंगे क्योंकि आप पीएल में उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज वेयर आई प्ले माई रोल, दिस इज वेयर आई विल बी देयर विथ यू, दिस इज वेयर आई विल मेक यू कॉम्पिटेटिव, दिस इज वेयर आई हैव क्रिएटेड द नोट्स इन सच अ मैनर दैट आई नो दैट माई किड्स आर गोइंग टू डू अ केओस देयर, एंड आई एम ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको गिरने नहीं दूंगा। आपका रिविजन जो मैं लेता हूं That gets completed in 60 hours, और उसके साथ में मॉड्यूल कवर कराता हूं, और मुझे गर्व है खुद के ऊपर, नाज है खुद के ऊपर कि मैंने काम किया है। पूरी हैंड रिटन बुक बनाई, इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स। तो सेकेंड फेल का रीजन पता चला क्या? कई सारे बच्चे इधर बोले कि सर टेस्ट सीरीज लिखनी चाहिए, कैसे लिखेगा है बच्चा टेस्ट सीरीज यार? 10 घंटे लगातार किसी भी संडे को ब्रेक लिए बिना ये लगातार काम करेगा, उसके बावजूद इसको मिल रहे कितने? 67 आवर्स, जो कि सिर्फ रिवीजन कंसीडर किया। अगर इसमें टेस्ट और ऐड कर दूं तो मेरा समय और कम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि आपके ऊपर भी मेरी कुछ अपेक्षा है, मैं बता रहा था कि आप बीमार नहीं हो सकते। अगर आप बीमार हो गए इन 70 दिनों में, आपको आइडिया भी है, अंदाजा भी है कि क्या होगा। 3 दिन बीमार रहे तो आप 30 घंटे चले गए, एक सब्जेक्ट का रीडिंग जो रहे एक उसका आधा टाइम गया। मेरी बातों की सीरियसनेस आपके जहन तक पहुंच पा रही है? इस परफेक्ट कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा आपको चीज हेल्प करेगी वो है स्ट्रैटेजी। रिमेंबर दिस, एंड इन द स्ट्रैटेजी व्हाट वी आर गोना डू इट इन द एग्जाम हॉल वी शुड नो इट टुडे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एग्जाम हॉल वी शुड नो टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन माय पीएल आई शुड नो टुडे। And we are back to now the classes. This classes duration में जो कुछ भी आप करेंगे वो नींव रखेगा आपकी PL की और exam के पहले के time की। और इस classes में conceptual clarity तो रहेगी, but आपको इसके नीचे दिए गए सभी boxes को भरने हैं। आपको क्या revision करना है PL में ये अभी पता होना चाहिए। आपने हर रोज हाइलाइटर लाकर चीजों को हाइलाइट करना कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। मुझे आपसे आज ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं है, मुझे अपेक्षा सिर्फ इतनी है क्या मैं इतना अज्यूम कर सकता हूं क्या इस लेक्चर के बाद भी मेरे बच्चे को पता होगा कि इसमें कौन सी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, वो उसको मार्क करने के लिए क्या वो करने के लिए तैयार है क्या?
क्या वो उसका एक पैटर्न बनाने के लिए तैयार है क्या? पैटर्न बाद में नहीं बनेगा, क्या वो अपनी बुक को इस तरीके से मेंटेन करेगा जिससे वो क्रॉस रेफरेंसिंग कर पाए चीजों के साथ? यस और नो? कुछ बच्चे पूछे पीएल मतलब क्या होता है, पीएल का मतलब होता है प्रिपरेटरी लीव। एग्रीड? सो राजा बेटा जी, मैंने दो चीजें कही आपको अभी तक, मैंने कहा कि आपको मैं मोटिवेटेड रखूंगा, दूसरी चीज मैंने आपको कही स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने आपको बता दूं, मैं सारी चीजें अभी इधर क्लास में नहीं बता सकता आपको। क्यों नहीं बता सकता? आप अभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि भविष्य की चीज है, बट मैंने कुछ एक कैलकुलेशन आपके सामने रखे है, उसके तहत आपको पता चला कि बच्चा फेल किस वजह से होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो स्टडीज, इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड ऑल एंड एग्जीक्यूटिंग इट। सो बॉयज एंड गर्ल, लेट मी टेक यू टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। पीएल में क्या करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनेगी, और आपका क्या बोलते हो एग्जाम में क्या करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनेगी, यस और नो? और हम उसके लिए काम कब करेंगे? अभी। तो मेरा आपके साथ काम होगा तीन एरियाज में, एक होगा अभी क्लासेस के साथ, दूसरा काम होगा आपके साथ वेबिनार्स के थ्रू जब क्लासेस चल रही होगी, और पीएल के दौरान मैं आपसे टच में रहूंगा थ्रू वेबिनार्स, और ये वेबिनार्स ऑनलाइन जीडी पीडी इन बच्चों के साथ में भी रहेगी। इस बार ये वेबिनार्स ऑन रेगुलर बेसिस डे टू डे बेसिस कंडक्ट करेंगे हम शाम को, जिसके अंदर मान लो क्लास के अंदर आप कोई चीज नहीं पूछ पाए, प्रश्न नहीं पूछ पाए, मुझे एक चीज पता चलती है कि बच्चों के प्रश्न सही समय पर अगर सॉल्व हो जाए तो बच्चा ग्रोथ और प्रोग्रेस बहुत फास्ट कर लेता है। तो सही समय पर आपके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आई विल बी अवेलेबल फॉर यू पीपल थ्रू वेबिनार्स, that is in the Zoom meetings wherein you can come and ask me your questions and I'll solve it. It is not only about the subject questions, it is also about how to cover up a backlog in case it has come up, in case you are not understanding few things, how to tackle them, all these things is what we are going to deal with it. I hope these expectations are fair enough. To jin jin bachchon ko doubt tha, kya main unke doubt ko thoda sa solve kar paya? Ab ek cheez samajh jate hain, kya mera bachcha is cheez ko dekhne ke liye tayar hai kya pehle? मुझे पता नहीं कि कितने तुम रेडी हो उसके लिए, क्योंकि थोड़ी सी डेंजरस चीज है। क्या ओपन कर रहा हूं मालूम है क्या? कुछ कर देते यार, छोड़ो। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये क्या डाउनलोड हो रहा है? मैंने तो नहीं किया कुछ। इधर ये क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं बाद में बताता हूं। दे रहा हूं क्यों? फाउंडेशन में कितने बच्चे बैठे थे आप? 100? कितने बच्चे पास हुए? 30? 30 लोग पास हुए, 30% रिजल्ट था आपके बैच का। कौन से सब्जेक्ट में आपके मित्र फेल हुए? लॉ में हुए बहुत ज्यादा। उसके पिछले अटेम्प्ट में किसमें फेल हुए थे, आइडिया है क्या? मैथ्स। और उसके पिछले अटेम्प्ट में शायद आइडिया ना हो आपको। हर बार अलग अलग सब्जेक्ट का नंबर लगता है। मसला कहां पे है सर? सुनिए, मसला यह है कि ये सीए के कोर्स में एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए और बाकी के सब्जेक्ट में 60 के ऊपर नहीं मिले तो सारे सब्जेक्ट वापस दो। जो पास हो गए पास, नहीं है उसमें भी फेल। आईसीआई कभी भी किसी एक सब्जेक्ट को चुनेगी दोनों ग्रुप में आपको फेल कराने के लिए। हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से करना, किसी एक सब्जेक्ट को चुना जाएगा। इसीलिए मैंने पूछा इस बार कौन से इसमें हुए, लॉ में। उसके पहले किसमें हुए? तुमने बोला मैथ्स में। इस बार मैथ्स का पेपर कितना लल्लू था। बट यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, पिछली बार मैथ्स का पेपर टफ आया होगा, बच्चे इधर बार मैथ्स पढ़ कर गए थे, लॉ साइड में रह गए, इस बार लॉ घुस गया। अब इस बार लॉ पढ़ेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा वो घुस जाएगा। नियति समझ रहे हो? अगर गेम में नहीं अटकना चाहते हो तो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से ही पढ़ना। आपको वो सब्जेक्ट पसंद है नहीं है, उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं सर जी, क्या कभी ऐसा हुआ है आईसीआई का रिजल्ट लगा जैसे आपके स्कूल का लगा था 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में 99% 100% रिजल्ट, ऑल स्टूडेंट्स पास्ड,
तो ये है ना, भगवान के लिए बंद कर देना ट्वेल्थ के साथ कंपेयर करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री से इधर कितने लोग हैं? वाह बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बीकॉम में आप कितने लोगों को जानते हो जो फेल हो गए? तुम एक आदमी को जानती हो, और वो किस वजह से फेल हुए थे? बीमार हो गए थे, एग्जाम नहीं दी थी, बीमार हो गए थे, एग्जाम नहीं। अरे फिर तो भाई बीमार थे इसलिए एग्जाम नहीं दी, ठीक है वो फेल होंगे ना सर, एग्जाम दिए और फेल हो गए, क्वेश्चन सही है। हाँ सर तुम जानते हो एक व्यक्ति को, ठीक है और कोई? तुम भी जानते हो एक व्यक्ति को, गुड, तुम भी जानते हो, वेरी गुड। मतलब मैं तो नहीं जानता आज तक, बट मैं आपको एक बात बताऊंगा, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू फेल इन योर 12th 10th एंड बीकॉम एग्जाम्स, डिफिकल्ट टू फेल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर योर परसेंटेज ऑफ वेरियस अटेम्प्ट। नवंबर 23 बोथ ग्रुप परसेंटेज वाज 9.73, 19.18 फॉर सेकेंड ग्रुप, 16.78 फॉर ग्रुप वन, ये आपको हेडिंग पता रहेगी। फिर मई 23 का देख लीजिए, द परसेंटेज इज 18.95, 23.44 एंड 10.24। नवंबर 22 21.19, 24.44 एंड 12.72, 13.30, 12.45, 5.46, 21.78, 11.81, 11.56। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको एक आइडिया लगेगी कि किस तरीके से बच्चे लोग पास होते हैं एग्जाम में, यस और नो? तो मुझे बताओ किसी भी केस में बोथ ग्रुप्स 20% के ऊपर तो मैंने तो नहीं देखा, 10% एट एन एवरेज निकालो तो। खुद के ऊपर दया खाना बंद करना अगर मेरे बच्चे हो तो, पढ़ाई इस तरीके से करना कि तुम उस 20% में बैठो। मॉडरेशन होगा, बहुत चल रहा है अभी YouTube पर मॉडरेशन होता है पेपर का। तुम्हारी इज्जत तब तक ही रहेगी जब तुम चुनिंदा कुछ लोग सीए बनोगे। मेरी इज्जत सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस पूरे बड़े हॉल में सिर्फ मैं अकेला इकलौता सीए हूं। मेरी प्रेस्टीज पॉइंट में इसलिए इज्जत है क्योंकि मैं शायद 20 या 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहां पर काम करते हैं उनमें से मैं एक हूं जो इतने सारे लोगों को पूरे भारतवर्ष में सर्व करते हैं। तो जब आपकी इज्जत रहनी चाहिए तो उसमें मॉडरेशन होगा ना सर। विजन को आज पक्का करो कि भाई फाउंडेशन पास हो गए, अब सबने स्वीकार कर लिया आप फाउंडेशन पास हो गए हो, बहुत बहुत बधाई है आपके उसके लिए, और आपने मिठाइयां बांट दी। अब सेकंड या बीकॉम भी पास हो गया, हुआ वो खत्म सिलसिला। अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो यह हमारे पास डेटा है, डेटा यह कहता है कि हर एक बच्चा जो बैठेगा एग्जाम में वो पास नहीं होगा सर। आंखें खोलने का टाइम है, स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है, सपने देखते तो उनको साकार करने का टाइम है। सभी बच्चों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए डे वन को। ये मेरी अपेक्षा है आपसे कि आप क्या क्या करने वाले हो। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो आपको फोर्स करेगा या प्रेशर करेगा कि आप ये करो या वो करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले रहे हो और अगर आपने पैसा लगाया और उसके ऊपर अगर आप टाइम लगा रहे हो अपना, तो उसका कुछ रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, है कि नहीं है? और उस रिजल्ट के लिए क्या आपको नहीं लगता कि जहां पर सिर्फ 10 में से 2 लोग ही आगे जाएंगे, तो उसके लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ माइनॉरिटी लोग पास होंगे, कम परसेंटेज के लोग पास होंगे, और ये सभी लोग फाउंडेशन के रूट के बच्चे हैं, तो इसमें ताकत थोड़ी सी अलग अंदाज में ही लगानी पड़ेगी। इस जगह पर मैं आपके साथ अलग रहूंगा और तुमको नया नया ज्ञान मिलेगा हर एक लेक्चर में कि हमें किस तरीके से टैकल करना है। बट आज डे वन को सिंसियर हो जाओ मेरे बच्चों, आगे की लड़ाई थोड़ी सी टफ रहेगी बट हम लड़ लेंगे। उनको मॉडरेशन करने दो ना, क्या करेंगे मॉडरेशन में? मार्क्स कम करेंगे, बट तुम्हारे अकेले के नहीं कर रहे। वो स्टैंडर्ड तरीका, एक आरटीआई में ये चीज मंगाई गई थी आरटीआई में, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वो आरटीआई द्वारा ये चीज मंगाई गई थी आईसीआई के थ्रू कि भाई पेपर चेक होते कैसे, खुल जा। ये आपको टैक्स गुरु की वेबसाइट से है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर ऑर्डर अंडर सेक्शन 7 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इसके अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी, आई हैड एग्जामिन्ड योर आरटीआई एप्लीकेशन एंड रिप्लाई इज गिवन बिलो। यहां पर इन रिप्लाई ऑफ पॉइंट नंबर 9 इट इज इन्फॉर्म्ड दैट रिविजन ऑफ मार्क
is done under regulation 39 subsection 2 of chartered accountant regulations 1988 the examination committee in terms of the provision of 39.2 read with regulation 176 of chartered accountants of regulation 1988 is vested with the authority to revise the marks what did you understand रिजल्ट मेंटेन करने के लिए आपके मार्क्स रिवाइज हो सकते हैं तो रिवाइज होंगे तो कैसे रिवाइज होंगे ज्यादातर टाइम कमी किए जाएंगे कितने बच्चों को इस बार लगता है अभी ये जरा ध्यान से देखना आप इस चीज के पास आप सभी लोग पास हुए हो कितने बच्चों को लगता है कि उनके अपेक्षा के मुताबिक उनको लॉ में कम मिले हैं रेज योर हैंड्स आपको सरप्राइजिंग नहीं लगता इतने बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं मैं आपको बताऊं आपके साथ क्या हुआ है जब मॉडरेशन हुआ तो आपके मार्क्स भी कम कर दिए गए थे अब जरा देखना यह बात तो आपको और बहुत भारी लगेगी मैं आपको बता दूं मार्जिन रहेगी आपके दिमाग में जो कंसिडरेशन है 10 से 15 मार्क की मार्जिन है जो आपका स्कोर आया है उसके कंपैरिजन में आपको लगता है 10 से 15 मार्क कम हुए हा या ना मतलब आपको लॉ में एक्सपेक्टेड दे होंगे 65 या 70 तो आपको आए होंगे 55 15 मार्क के आसपास मॉडरेशन हुआ है नीचे हुआ है उसके बावजूद पास हुए कि नहीं हुए क्योंकि आपकी लॉ की प्रिपरेशन ज्यादा थी तो जब मार्क्स काटे गए आपके तो आप 40 के नीचे नहीं आए आप उतना नहीं पढ़ कर गए जितने की सिर्फ जरूरत थी आप उससे ज्यादा पढ़ कर गए तो शायद कई सारे लोग 40, 45, 42, 43 ऐसे भी पास हुए मॉडरेशन से डरने वाली कोई बात नहीं है ये करना ही पड़ेगा अगर सीए का रिजल्ट मेंटेन करना है तो सीए का रिजल्ट क्या है यार सारे कैट का भी रेगुलेशन रेगुलेटेड होता है इन टर्म्स की उनके परसेंटाइल होते हैं अगर आप वो पर्टिकुलर बेंचमार्क में बैठते तो ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है यस और नो इधर मुझे कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि सभी के लिए स्टैंडर्ड किया जा रहा है अगर इतने बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं कि लॉ में मार्क्स कम आए भाई पेपर भी चेकिंग गलत नहीं हुई है पेपर चेकिंग सही हुई है बट सभी के ऑल ओवर इंडिया लेवल पर मार्क्स कम किए गए क्योंकि 30% के ऊपर तो रिजल्ट उनको देना नहीं था और इसकी विस्तार से उन्होंने पूरी चर्चा की है इधर अगर आप ये पढ़ेंगे यस और नो ये सारी चीजें लिखी गई है मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं हमें अभी एक बात पता चल गया कि इस क्लास में आपको जो लगता है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या उतना काफी है क्या बताओ आई डोंट थिंक सो इट इज सफिशियंट I think so. It is more of a game of a strategy. How to penetrate this market where only 10 out of 2 people, matlab out of 10, only 2 people are going to pass. So what I should do to pass this exam? So shall we have a small demo of this? Now let's write down what all you are going to do it to make it a point that you are going to crack this exam and you have to write it down. Tumko kitna time do? आप क्या क्या करने वाले कितना टाइम दूं आपको आप मुझे बताओ कितना टाइम दूं आपको क्या लिखना है ये कुछ बच्चों का प्रश्न था मैंने आपको पूरी वस्तुस्थिति बता दी इंटरमीडिएट के एक संक्षेप में राइट और बात ये निकली थी कि मेरे एक्सपेक्टेशन क्या और आपके एक्सपेक्टेशन क्या ये दो चीजों पर हमारा मुद्दा चल रहा है मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या क्या करूंगा और मेरे पास सारी चीजें रेडी कर ली है मैंने इस तरीके से मैंने कुछ चीजें आपको बताई और धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताते भी रहूंगा मैं आपको यह बता रहा हूं यह पूरी परिस्थिति जानने के बाद आप क्या क्या करोगे वो लिखिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना इस क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएंगे आपको लगता है नहीं इस क्लास का परसेंटेज रिजल्ट ज्यादा लगेगा बट सारे बच्चे नहीं पास हो सकते मतलब 10-12 से हम आगे आ गए तो जो पास होने वाले वो क्या करने वाले लेट्स सी मेरे कैंडिडेट क्या क्या करने वाले कुछ बच्चों को सूझ ही नहीं रहा क्या लिखे फाउंडेशन कैसे तो मटके भी निकला था सर अब आप कुछ करो सर ऐसा मैजिक इंटर भी निकल जाए फेद इमाम थैंक यू सो मच ब्लडी बड़ी एंड Lots of love, beta.
लिख दिया. वाओ, मैं सुन सकता हूं आपके पॉइंट्स? क्या मुझे परमिशन है आपके डायरी के पॉइंट सुनने की? ए गुंडी, नहीं पता चल रहा ना क्या करने का? पता चल गया? सच्चे सच्चे बोलना, पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा गुंडी तुझे? नहीं पता चल रहा ना? गुड, तुझे पता है तुझे क्या क्या पॉइंट्स कर रहे हैं? यस यू, बाजू वाला तू, मुश्किल जा रहा है? ए ऑनलाइन लाइव वालों, तुमको क्या लगता है, तुमको आ गई क्या सारी चीजें? चल भाई अब माइक घुमा, अभी मुझे पॉइंट सुनने दे. अरे हंसो मत पागल, तुझे करियर डिसाइड कर रहा है, करियर ये कुछ भी कर रही है, एग्जाम कैसे देगी पूछ रहा. अजय को पूछ, अजय अजय को पूछ पहले जा, और इधर बाकी के किसी बच्चे को पूछो इधर. यस, ए माइक देना रे भाई, दो माइक थे ना, एक बाहर लगे पूरा. यस अजय, क्या करने वाले हो आप? सर 100% कंसेप्ट क्लैरिटी. हाँ, और टफेस्ट सिचुएशन में, टफेस्ट सिचुएशन में भी स्माइल करना, मतलब ऐसा हारना नहीं. तो मतलब पेपर टफ आया तो स्माइल कर देने का? मैं मतलब पूछ रहा हूँ. हाँ मतलब वैसे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस. अच्छा सर, और जितना हो सके उतना सम प्रैक्टिस करना. अच्छा, और अगर नहीं हो सके तो छोड़ देने का? नहीं, मैं मस्ती इसलिए कर रहा हूँ कि तुम थोड़े हंसते खिलखिलाते रहो, ठीक है? और अजय एक ऐसा बंदा है हमारे क्लास में जिसके साथ मस्ती किया तो वो दिमाग को शॉट नहीं लगाता है. बेस्ट है अजय हमारा. थैंक यू अजय. हाँ सर, और कौन सा बच्चा है? यस भाई, दे जल्दी जल्दी यार, तू थोड़ा सा भाग यार अभी, जल्दी जल्दी, स्लो मोशन में मत कर काम. फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, स्पीड अप करनी है, स्मार्ट वर्क कंसिस्टेंसी करना है, डेली प्रैक्टिस, रोज पढ़ना है, रिविजन एवरी डे, एवरी सब्जेक्ट मोर देन पासिंग, जस्ट पासिंग के लिए नहीं बट के पासिंग से ज्यादा करूं ऐसे कोशिश करना है, टेंशन नहीं लेना है. वाओ 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 वाओ, जस्ट वाओ. यस, अपने आप को धोखा नहीं देना है बस. ठीक है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन. स्ट्रेटेजी फ्रॉम डे वन, हार्ड वर्किंग ईच एंड एवरी डे, रिविजन प्रॉपर प्लानिंग के साथ करने का, डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, एंड जिस दिन भी हमें लगे मतलब कि हमसे नहीं होगा ऐसा, जिस दिन में लगे उस दिन सिर्फ अपने मम्मी पापा की मेहनत याद करने की. अच्छा, बट किसी एक वाहियात आदमी बोलकर गया है ऐसा मुझे लगता है, कोई तो था ऑथर, उसने बोला स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क नहीं करने का, बट स्मार्ट वर्क क्या रहता बताया नहीं. मतलब अभी इस क्लास में मैं पूछूंगा व्हाट इज स्मार्ट वर्क, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आंसर इट इज. यस सर, नो. यस, पीछे से कोई हाथ ऊपर कर रहा था या उधर, बता दो किसी. so, को हां सर, अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली, अटेंड ऑल द लेक्चर्स रेगुलरली, देन बी इन्वॉल्वड इन द रिविजंस, बी इन्वॉल्वड इन द रिविजंस, गिव ऑल द टेस्ट. यस, सो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, और कभी लो फील हुआ तो आपके पास आ जाना है मोटिवेशन के लिए. अच्छा, आप बताना चाहेंगे? बताओ बेटा, बैठो. से स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, डेली रिवीजन आफ्टर क्लास, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स, सॉल्व एमटीपीज आरटीपीज विद रिटन प्रैक्टिस, एंड स्टे मोटिवेटेड. शी वाज बैंग ऑन द सब्जेक्ट, यू नो, सब्जेक्ट की जानकारी है उसे. गुड, और कोई? ये उधर भी दो ना यार, उधर के बोल रहे हैं हमारे बारिश यहाँ पे कम आ रही है. हाँ तो बोल सर. कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन एंड डेडिकेशन, एंड द मेन थिंग इज रेगुलरली अटेंड द क्लासेस विद लाइक विद माइंड सेट टू विद जीरो डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टॉर्शन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू इम्प्रूव डेली लाइक हाउ यू सेड, एंड डेली नोट डाउन द मिस्टेक्स विच आई हैव मेड एंड लाइक विच आई नीड टू रेटिफाई लाइक टुमारो, एंड ट्रस्ट द टीचर्स एंड प्रोसेस, एंड नो वन इज बॉर्न परफेक्ट, सो Try to improve daily. Very good. Keep up the good work. दे इसको माइक दे. सर रिवाइज करूंगा डेली.
उसके बाद में जो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसमें के इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स को टिक करूंगा। वेरी गुड। जब और जो क्वेश्चंस ऐसे आपने बताया है वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा जिससे मेरा टाइम बचे प्रिपरेटरी लीव्स के अंदर। उसके बाद में सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, 45 डेज, 20 डेज, 15 डेज, जिसमें स्लीप और वगैरह सब मिला के शेड्यूल कम से कम 15 घंटे के आसपास जाना चाहिए, सॉरी मतलब 16-17 घंटे आना चाहिए, और एक्सरसाइज करूंगा जिससे फिजिकली फिट। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, प्राउड ऑफ यू सर। ओके, एक गुड़िया कोई थी कब से हाथ ऊपर कर रही थी, उसको दे दो। हाँ आपको बोलना पर, ये इस गुड़िया को दे इधर, इधर किसी को बात करना है नहीं, सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं हुई थी पर पानी कम मिला है, होमवर्क डेली करने का। ओके सर, पहले तो मैं खुद के हेल्थ पे फोकस करूंगी जिससे मैं बीमार ना पड़ूं, अगर मैं बीमार नहीं पड़ूंगी तो मैं लेक्चर्स कंसिस्टेंसी कर सकती हूँ और मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकती हूँ, और उसके बाद मैं आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी जिससे मुझे आसानी होगी कि मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिर उसके बाद मैं अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और कौन सा बच्चा था उधर? यस बेटा। हेलो सर। हाँ मेरा सर बस यही प्लान है कि मतलब डेली जो है क्लास अटेंड करना है, कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है, उसके बाद घर जाने के बाद यहाँ पे जितना पढ़ाया उतना तो कम से कम पढ़ना ही है, और जैसे जैसे आप पढ़ाते हैं उसके साथ साथ ही घर पे जो है क्वेश्चन बैंक आप जुटेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन घर पे जाके करना है, डेली उतना क्लास का पहले रिविजन करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो रहेगा उसका क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड वही सॉल्व करना है। उसके बाद सर हर संडे जो है पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े हैं उस संडे को जो है पूरा 6 दिन का रिवाइज करके करना है, उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब हर क्वेश्चन एकदम से अलग रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा, कुछ पॉइंट जो है एक लाइन से दो लाइन से जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक, क्या स्कोर है आपका, इफ यू डोंट माइंड? हाँ सर, क्या स्कोर है आपका? सर मेरा 206 था बस। ओके, मैंने घर से प्रिपरेशन की थी बस। सेल्फ स्टडी किया आपने? हाँ सर। तभी आप इतनी सारी बातें बोल पा रहे हो? हाँ मतलब नहीं आप सही बता रहे हो, नहीं मतलब पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था इससे पहले मतलब तो उसमें मेरा नहीं हुआ था, मैथ्स में मेरा 2 नंबर कम था, एग्रीगेट में 4 नंबर कम था तो नहीं हुआ था। बिहार या यूपी? नहीं सर मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, तो उसके बाद इस बार जब एग्जाम लिया तो मतलब मैं बीच में कुछ पढ़ा ही नहीं, दिसंबर के मंथ में पूरा पढ़ा था उसके बाद एग्जाम लेके आया, तो मतलब अगर आप बुरा ना माने तो मुझे एक बात बताइए, इस क्लास के सामने आपने क्लासेस क्यों नहीं करी? सर मतलब एक तो मेरा अकाउंट था 12 तक, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मतलब फ्री में कुछ अवेलेबल थे तो उसे मिला के मैंने कर लिया था। कैन वी क्लैप फॉर दिस गाय? ठीक है, एक उधर कोई तो था और इधर कोई तो, लास्ट के 2 आंसर्स लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड बडी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। हाँ मुझे लगता है कि द गेम इज ऑल अबाउट टाइम। ओके, मैंने फाउंडेशन के एग्जाम में एक्सपीरियंस किया था। तू धीरे बोल बस। अरे मतलब थोड़ा सा इधर रख माइक। हाँ मैंने अपने फाउंडेशन के एग्जाम में एक्सपीरियंस किया था, आता सबको है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सबको आता है, पर वही बच्चे पास हो पाते जो टाइम पे कंप्लीट कर पाते। सो टू बी इन दैट 20% यू शुड बी वेरी फास्ट इन राइटिंग एंड सॉल्विंग। वेरी गुड, दैट्स राइट, सो इट्स ऑल द गेम ऑफ टाइम। एक और गुड़िया का आंसर सुन लेते हैं। एग्रीड? यस यार, तुम्हारी भाषा चेंज हो गई यार, पहले दिन ही ये 20% बोल रहा है, टू बी इन देयर इन द 20%, मतलब थोड़ा सा सिंसियरिटी तुम्हारे अंदर परक्यूलेट हो गई कि हाँ भाई ये गेम अलग रहेगा बोलकर। वाओ दैट्स लवली। यस बेटा बोलो आप। डोंट बी स्केर्ड अबाउट द सिलेबस, शुड नॉट कंपेयर योर्स, शुड नॉट कंपेयर विद अदर्स बट विद योरसेल्फ, and try to do more than your 100% because this is not your 100%, and keep your mental and physical body active. Okay, wonderful. So मैं हाँ बट आप कुछ और कह रहे थे? Yes sir, don't blame anyone about the result because you are not giving your credit to anyone else. क्या बात है यार, इसमें जय, एक टीम में मेरा बहुत भारी बहुत भारी। लवली दे 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 भाई इसको दे दे, ए लास्ट है अभी, ये भाई जल्दी बोलो अभी।
पाजी बोलिए। स्ट्रेटेजीज के लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये सवाल था ना आपका कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट वर्क कम फ्रॉम हार्ड वर्क। अब मैं जैसे रेवाड़ी से हूं तो मैं उसी का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जिसने पूरा रेवाड़ी घूम रखा है उसी को शॉर्टकट पता होगा कि कहाँ जाना है, व्हाट एग्जैक्टली। बेस्ट है ये, एकदम बेस्ट था, एकदम बेस्ट हो रहा है ये। जो हर जगह का गली कोपरा ये वो सब नाप चुका है वही तो शॉर्टकट बता पाएगा ना। हाँ, पर वो ये बात जिसने लिखी थी ना वो ये चीज लिखना भूल गया कि स्मार्ट वर्क करने के पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये मैं आपसे इसलिए भी कनेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मैं किसी सीईओ के बच्चे से मिला और वो बच्चा उस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली डायरेक्टर के लेवल पर पोस्ट हो सकता था, बट उसको काम कराया गया एज अ सेल्स पर्सन, मतलब वो गाड़ियां बेचता था। तो आई वॉज सरप्राइज, सो ही टोल्ड कि नहीं डैड एंड आई आर वर द ओपिनियन कि मुझे ग्रास रूट लेवल पर क्या चलता है पता होना चाहिए, इसलिए मैं ग्रास रूट लेवल से धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, तो हर एक डिपार्टमेंट में काम करते करते ऊपर जाऊंगा। तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं 110%। वाव, लवली। सो अब मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, आपके अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, कूट कूट कर भरा हुआ, एक से एक एडवाइसेस दिए आपने, यस और नो? सो वी कैन क्रिएट मिरेकल, डू यू एग्री और नॉट? सो लेट मी टेल यू माई परस्पेक्टिव व्हाट ऑल यू शुड बी डूइंग। सो जब लोकमान्य तिलक साहब थे, जब उनको भारत के आजादी संग्राम में जाना था, तो अब उन्होंने सबसे पहला काम किया था अपनी हेल्थ पर ध्यान रखा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता है और वॉशरूम ठीक से नहीं होके आ पाता है, तब उसके पेट में गड़बड़ी होती है और तब उसका ध्यान कभी भी क्लास में नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि अगर एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है तो सबसे पहला काम है कि आप अच्छी तरीके से सोए हुए आएंगे क्लास में, अच्छी तरीके से खाना खा के आएंगे क्लास में, और अच्छी तरीके से यू आर अलर्ट। सो वट एवर आर योर हैबिट्स विच आर इनकल्केटेड इन योर चाइल्डहुड, यू शुड बी डूइंग इट वेरी रिलीजियसली एंड प्रॉपरली। जैसे मैं अगर इन पाजी को पूछूंगा कि सर आप पगड़ी हर रोज बांधते हो, मुझे दावे के तौर पर मैं बता दूं आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे इन सभी के कंपैरिजन में, बट आप कंप्लेन नहीं करते होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपके हैबिट का नेचर बन गया है। आपको हैबिट ऐसी इंकलकेट करनी पड़ेगी अगले 9 महीने के लिए, जब आपको कष्ट होगा, बट ये डिसिप्लिन अगर आपके हैबिट्स में रहेगा तो ये कष्ट चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रही, अगर आप बीमारी में थके हुए क्लास में आओगे, आपको ध्यान नहीं पड़ेगी चीज है। फिर मैं आपको सेकंड चीज वो बता रहा हूं जो एक सीईओज और सीएफओज और बड़े बड़े एमडीज जिस पर काम करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय जो लोग हैंडल करते हैं, उनके बारे में एक बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, सीधा बैठ पहले ना लाइक। तो यह बात ऐसी है कि मुझे बताओ, सीईओज और सीएफओज जब किसी से बात करते हैं और किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो क्या अपेक्षा रखते हैं? वो एक बार में समझे या दो बार में समझे या तीन बार में समझे? किसकी प्रगति बहुत फास्ट होगी, जो एक बार में समझेगा, दो बार में समझेगा, तीन बार में? सभी लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी है। जब आप किसी टेलर के पास जाते हो या कोई इंस्ट्रक्शन देके आते हो, तो उसको कितनी बार बताते हो? एक बार, दो बार, तीन बार? जब आपके घर में कोई मेड आती है तो उसको मम्मा कोई चीज समझाने की कोशिश करती है, तो वो एक बार बोलने की कोशिश करती है मेड को कि जो कि सबसे नीचे के पायदान का काम करती है। यस और नो? रसगुल्ले बच्चों बुद्धि में डाल लो। सेकंड कॉन्सेप्ट यह है, क्लासेस के बाद ये कभी भ्रम में मत रहना कि आप पीएल में पढ़ाई करोगे। पहला सबसे ज्यादा टाइम डिवोट होगा आपके इस पूरे 9 महीने का क्लासेस में। इसे क्लासेस में जान लगाकर पढ़ना, पूरे अटेंटिव रहना, एफिशिएंसी एकदम ज्यादा रहना। एक भी बच्चे ने यह बात नहीं कही कि क्लासेस अच्छे से करेंगे, तुमने बोला क्लासेस रेगुलरली करेंगे, बट क्लासेस में बैठने के बाद में मैं क्या करूंगा? बहुत जरूरी है, अरे पता होना चीज। सारे लोग कॉलेजेस जाते, सारे लोग इधर उधर जाते हैं जहां जहां पर चीजें होती है, हर एक आदमी नहीं बनता वो जो बनना चाहिए। आप तब बन पाते हो जब आप क्लास में उसी तरीके से बैठो जैसा एक विद्यार्थी होता है। मैं आपको दावे के तौर पर प्रॉमिस करता हूं, वचन देता हूं, सौगंध लेता हूं कि मैं आपके सामने हर रोज एक टीचर के तौर पर आपको जो जो चीजें लगेगी वो करूंगा, आपका दोस्त बनूंगा, आपका मित्र बनूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। बट क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप क्लास में हर रोज विद्यार्थी रहेंगे? आप हर रोज क्लास में आएंगे? आप बिना परमिशन के एब्सेंट नहीं रहेंगे? अगर आप ऑनलाइन लाइव GDPD किसी भी माध्यम से कर रहे हो तो आप हर रोज रेगुलरली चीजों को देखोगे? अरे ये बाकी की चीजें अपने आप होएगी। इस चीज को लाइन पर लगाओ, भगवान खुद चलकर आपको चीजें, बाकी की चीजें देने लग जाएगा।
कितने लोग हैं अभी तक, सरप्राइजिंग देखना, ढाई महीने में पढ़ाई कर क्लासेस कर कितने लोग पास हुए? क्या स्कोर है आपका? 256, लवली, 209, यस, 200, वाह, 261, हाँ, 215, यस, 210, हाँ, 200, और मैं आपको ऐसे भी बच्चों से मिला दूंगा जो 5.5-6 महीना पढ़ाई की है बट फेल हो गए थे। ढाई महीना जिन जिन बच्चों ने पढ़ाई करी अलोंग विद द क्लासेस, ऐसे बच्चों को मैं मिला हूं, और वो बच्चे ऐसे बताते कि क्लासेस किस तरीके से देखते हो। तो जब क्लासेस देखोगे, मेरी एक बात, इतनी सी विनती है, ध्यान में रखना अपनी बॉडी को एकदम स्वस्थ रखना, और ये आपकी जिम्मेदारी, किसी और की नहीं है। मम्मी पापा नहीं रहेंगे बट बावजूद इसके तबीयत का ध्यान रखना, इज दैट ओके? आलसी मत बनना, डिसिप्लिन में रहना, बाकी की चीजें हो जाएगी। तो क्या स्पष्ट हो गई चीजें? अभी मैं सारी चीजें नहीं बता पाया कि बोर भी हो जाओगे। अभी आई थिंक वी शुड गो फॉर द सिलेबस एंड वी विल डिस्कस दैट, बट कैन आई गिव यू दी शॉर्ट ब्रीफ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया? मैंने कहा सभी लोग फाउंडेशन पास हो गए, इसको 10th 12th के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, क्योंकि यहां पर जो लोग पास होते हैं किसी भी केस में 20-25% के ऊपर रिजल्ट नहीं गया। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए, और आप वो लिख कर निकालेंगे आपके लिए। डू यू एग्री? जो थॉट्स को आप पेपर पर प्रेजेंट करते हो वो थॉट्स ज्यादा तरीके से आपके दिमाग में रहते हैं और उसके ऊपर आप ज्यादा सिंसियरली काम करते हैं, तो वो सारे थॉट्स लिखना। बट उस थॉट्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज लिखना कि मैं क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करूंगा। पॉइंट क्लियर? उसके अलावा मैंने आपको एक चीज और शुरुआत में बताई थी कि बेटा जी आपके कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे प्रति है, राइट, और मेरे आपके प्रति कुछ एक्सपेक्टेशन है, और मैंने आपको बताया था कि पास होने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर सब लोग देंगे, टेस्ट सीरीज सब लोग लेंगे, ये सारी चीजें तो सब हो जाएगी, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बड़ी चीजों को छोटे तरीके से हम कर चीजों को देखेंगे, रिवाइज करेंगे। इज दैट ओके? तो राजा बेटा जी, मैंने आपको क्या बोला था कि क्लास में जब भी बैठोगे तब हाईलाइटर, पेन, पेंसिल ये लेकर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर फोकस करोगे हर रोज। और आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, मराठी बैकग्राउंड से हो, बीकॉम बैकग्राउंड से हो, या आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, या आपको अकाउंट्स का डर लगता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, आई टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज माय हेडेक। आपको हर एक चीज समझा रही, जहां जहां पर समझ की थोड़ी बहुत भी कमी पड़ेगी वहां पर मैं बैठा हूं, मैं समझा दूंगा, मैं ये वचन दे रहा हूं। मैं आपके साथ में हर एक लेवल तक आपके साथ में रहूंगा आपके डर को भगाने के लिए, बट आपको भी उस पर काम करते रहना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो हमको ये घोष वाक्य याद रखना है, कॉन्फिडेंस फॉलोज कॉम्पिटेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस फॉलोज कॉम्पिटेंस। तो हम क्या बनेंगे इस क्लास में? कॉम्पिटेंट। अब लास्ट की कुछ बातें जो अब इस क्लास के रिलेटेड है। क्लास में कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा, जगह के लिए झगड़ा नहीं करेगा। आपको जब भी भूख लगेगी तब आप कुछ भी खा सकते हो क्लास में। मैं कभी आपका खाना उठाकर नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं करने का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम खाओ। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आजू बाजू वालों को किसी को दिक्कत हो रही तो उसको थोड़ा सा खाने को दे देना, मतलब वो चीज एक ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज क्या कहते हैं उसको, गाड़ी जो आते हैं रस्ते पर से, कोई फास्ट गाड़ी चलाते नहीं आएगा मेरे क्लास में। अगर आप लेट हो रहे हो किसी कारणवश तो लेट आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल नेवर इवन आस्क यू, बट नेवर एवर ड्राइव वेरी फास्ट ऑन द रोड्स। यू नो योर पेरेंट्स आर डैम कंसर्न्ड अबाउट यू, सो डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट बी इन हरी। संत बनो, संत, थोड़े से संत गति से काम करो, जल्दबाजी जल्दबाजी नहीं। नेक्स्ट, कोई भी बच्चा मेरे पैर नहीं छुएगा, मुझे पसंद नहीं है। डू नॉट टच माई फीट, आई डोंट लाइक इट। इज दैट ओके? और अगर आप मेरे पैर छुओगे मैं दोबारा आपके पैर छूंगा, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर छूने चाहिए तो फिर मेरे पैर छू लेना, मैं कर लेता हूं, ठीक है? दूसरी चीज, इस क्लास का एक और मूल सिद्धांत है कि मैं यहां पर एक गुरु या एक शिक्षक या टीचर के तौर पर ही हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं बनने की इच्छा। तो मैं वही शिक्षा दूंगा जो आपके जीवन में उपयुक्त होगी और अच्छी रहेगी। अपने क्लास में कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, हम परफेक्ट नहीं है, ना मैं एज ए शिक्षक टीचर परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट हो, तो हम किसी को जज नहीं करेंगे। इन दिस क्लास लेट्स प्रॉमिस ईच अदर दैट वी आर नॉट गोइंग टू जज एनीवन। इस जजिंग की वजह से कई सारे, या बॉडी शेमिंग की वजह से, या किसी के बारे में ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि जब खुद के जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो हम ज्ञान बांटते हैं कि और क्या करते और क्या नहीं करते। तो मुझे कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा कि मेरे को ये टीचर ने ऐसा किया था, उस टीचर ने ऐसा किया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट ओके? हम परिपूर्ण है और हमारे लिए पर्याप्त है।
आपको और एक बात बता दूं, इस क्लास में जो व्यक्ति काम करते हैं ये शायद आपसे कम लकी है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए वो यहां पर काम करते हैं, शायद आपके आयु के कंपैरिजन में 2-4 साल ऊपर नीचे काम करते हैं। तो उनके साथ एरोगेंटली बात मत करिए, उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी इंसान है, प्रेम से बात करिए। प्रेम से जब तक आप बात करेंगे आपका सारा काम हो जाएगा। इस क्लास में एक भाषा चलेगी, वह प्रेम की। अगर आप प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से सब कुछ करेंगे तो काम हो जाएगा। पैसे की भाषा मत करना, पैसा है बहुत, बस पैसे की भाषा मत करना, एरोगेंसी मत दिखाना। बाकी ये चीज का मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा कि जो भी आपने पैसे दिए, जो कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पूरा का पूरा या उससे कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिले, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा। मेरे सक्सेस के दरवाजे जो मुझे लगता है वो आपके थ्रू होकर जाते हैं, इज दैट ओके? तो मैं आपके साथ इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट चीज, बुक्स वगैरह हर रोज लेके आना, टेक्स्ट बुक वगैरह हर रोज लेके आना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की आदत रखने के लिए क्वेश्चन को मार्किंग करना, क्योंकि वो बच्चा फेल होता है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, बराबर है ना? तो क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि करना क्या है, हम हमारी बुद्धि तो लगा ही नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से प्रेम से अच्छे से पढ़ते जाएंगे, से यस और नो? ओके, जो जो बीकॉम डायरेक्ट एंट्री है कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। जो जो ऑनलाइन लाइव जीडी पीडी से है उन सभी बच्चों को बता दूं कि बिल्कुल टेंशन मत लो, आई टेक केयर ऑफ द स्टफ। बहुत प्लान्ड हूं, बहुत सारे बच्चों को हैंडल करने की आदत है, मैं करवा दूंगा, हम मुझे ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी। मैं चालू करूं क्या अभी सिलेबस? पक्का? तो राइट डाउन द हेडिंग। ए सर आप मुझे बताओगे कि सर टॉपिक्स के नाम तो दोबारा दे देंगे बाद में, यार लिख लेंगे ना बाद में, चलेगा ना? दौड़ेगा दौड़ेगा। हाँ जी, अच्छा बीच बीच में मैं कभी कभी मराठी बोलता हूं, बट वो ऐसी चीजें बोलता हूं जो फालतू होती है, जिससे मराठी सिखाऊंगा, मुझे पता नहीं क्यों बोलने की इच्छा होती है, ठीक है? कभी कभी कुछ कुछ भजन भजन गाते रहता हूं, मजा या मौका मिले तो तुम भी गुनगुना लेना, और बाकी सीरियस रहना है तो रहो जिंदगी में, किसने मना किया है? ये तुमको एक बात बताना भूल गया, ये लास्ट बात बता के अपन चालू कर दे। तुमको बता मेरे कुछ दोस्त है सच्ची आई शपथ, और बहुत पैसा कमाया उन्होंने भी, बट कहीं घूमने जाते हैं ना तो कोई एक नजारा है या कहीं म्यूजिक बज रहा है तो ऐसे जाके खड़े हो जाते हैं, घर बहुत बड़ा है बट जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, और नाचने के लिए बोलो तो ऐसे ऐसे, दिस इज हाउ द डांस एक्चुअली, एक हाथ ऊपर करके और फिर वापस आके खड़े हो जाएंगे। होली में भी कलर, हैप्पी होली। तो मुझे एक बात पता चली कि उनका जो स्टूडेंट लाइफ था, उधर वो जो काम करते थे उसके बेसिस पर वो पैसा आने के बाद में वो वैसे ही काम करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मैं कंटेंट तो नहीं निकाल पाऊंगा ना, नहीं समझ रहे हो? तुम अभी अगर बहुत सीरियस रहो आगे जाके भी सीरियस रहोगे, और अभी अगर मजा करते रहोगे ना तो आगे भी मजा। तो मेरे लिए लाइफ सेलिब्रेशन है, मैं थोड़ा मस्ती किस्म का आदमी हूं, इधर क्लास में आऊंगा तो मैं मस्ती में ही रहूंगा, तो मैं तुमको कभी, अरे यार मैं तुमको और मैं एक समान मानता हूं, तुम मुझसे ना कम हो ना ज्यादा हो, सिर्फ मैं पहले टपका दिया गया उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तुम बाद में टपकाए गए उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है, मतलब ऐसे पैरामीटर्स पर कंपेयर करना कि मैं बड़ा हूं इसमें घंटा मैंने किया क्या है, आई हैव डन नथिंग, आप मेरी इज्जत इसलिए करो और मेरे पैर इसलिए छुओ कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूं, अरे घंटा उसमें मेरा क्या रोल है, आई हैव डन नथिंग न्यू इन दैट, इंडिया में बहुत कॉमन है ये चीज, एंड सिमिलरली आप लेट आए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो मैं और आप दोनों एक समान है, इक्वल है। तो मैं तो भाई मेरे जीवन में एक चीज सिंपल है, मैं आपके साथ समय भी बिता रहा हूं, शी वेंट इन टू द डिस्कशन, बहुत बढ़िया, शी वेंट इन टू द डिस्कशन कि लेट आए इसमें हमारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है, सो दैट मे बी यू नो, अरे यार छोड़ो, सो शिव शिव, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास में मस्ती में रहना, मैं किसी को भी ऐसा, मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी को भी कोई भी चीज हर्ट करने के लिए बोलूं, ऐसा स्वभाव नहीं है मेरा, मैं कभी नहीं करूंगा ना, मेरे ऐसे कोई संस्कार है घर के, सीधी सी बात है, मस्ती में रहेंगे यार, तो चिड़चिड़ मत करना, बस इतना रूल ध्यान में रखना कि हम दोनों अपोजिट नहीं है,
अपन दोनों एक साइड में, बात समझ आ गई? बेस्ट है। लिखो हेडिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। ए डार्लिंग लिख जल्दी से बेसिक्स। बेटा जी, आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस ज्यादातर डिवोट करता है कंपनीज पर, तो हम कंपनी का एक जो आइटम होता है उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे आज, और उसका नाम है कैपिटल। और उस कैपिटल को नाम देते हैं हम शेयर कैपिटल, और इसको हम बोलते हैं शेयर्स। ओके, और राजा बेटा जी, ये शेयर कैपिटल या शेयर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, और एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो जरा ओरली सुनते जाइए। एंटिटीज अलग अलग प्रकार की, एक प्रोप्राइटरशिप है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन पैसा लगाता है प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पैसा लगाता है पार्टनर, बट जब पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई तब ये पैसा कौन लगाता है राजा बेटा जी? सारे भारत के लोग, और जिसको हम नाम देते हैं क्या? शेयर होल्डर। ये सारे शेयर होल्डर मिलकर क्या लगाते? पैसा, राइट? अब जब ये पैसा लगाते हैं राजा बेटा जी, तो इस केस में ये ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर। इसको क्या बोलते हैं? शेयर। और ये कौन सा शेयर हो सकता है? इक्विटी शेयर हो सकता है, या कौन सा हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? इट इज द पार्ट लाइक हाउ? यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन। सो व्हेन आई से कैपिटल मेरा 10,000 रुपए है, ओके, पता नहीं बीवी ने पैसे निकाले क्या, कैपिटल मेरा 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 10,000 हो गए। ए रसगुल्ले बच्चों, ये कितने टुकड़ों में डिवाइड हुए? 20। सो दिस इज अ शेयर ऑफ 10,000 रुपीज। दिस इज शेयर ऑफ 10,000 रुपीज, एंड ईच शेयर हैज गॉट व्हाट डिनोमिनेटेड वैल्यू? 500। सो व्हाट इज डिनोमिनेटेड वैल्यू? इज कॉल्ड एज व्हाट? फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो आज मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया, कितने रुपए लगाए? 10,000 रुपए लगाए, ठीक है। कंपनी को बना लेते हैं, संतोष आ रहे, कंपनी बनी, इधर जल्दी आपूर्ति से। तो तुम में से ऐसे कई सारे लोग शेयर होल्डर बने, ये पैसा मैंने इधर डाला, ये मेरी कंपनी, कंपनी थोड़ी नीचे चली जा, नीचे चली जा, हाँ। ये कंपनी में मैंने कितने रुपए डाले? 10,000। कंपनी बड़ी छोटी है, मैं जानबूझ के दूर आ गया, पिछली बार ये बहुत गंदा दिखा था। सो मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपनी अभी बड़ी छोटी है, राइट? और इस कंपनी में मैंने 10,000 रुपए डाले कैपिटल के तौर पर, और मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, और ये साल बीत रहे, साल बीत रहे, गोल 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 साल बीत रहे, अभी कंपनी बड़ी होना, ये धीरे धीरे करते करते कंपनी बड़ी हो गई है। देख रहे हो कंपनी कितनी बड़ी हो गई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 10,000 की वैल्यू अब कितनी हो गई? 50,000, 30,000, 40,000, यस और नो? तुम खड़े हो जाओ, तुम मुझे कह रहे हो कि सर मुझे भी इस कंपनी का एक शेयर चाहिए, राइट? तो तुम मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें ये शेयर, पहले एक शेयर 500 का था, अभी ये 500 में मिलेगा या ज्यादा में मिलेगा? ये कॉमन सेंस है, इसीलिए एक शेयर की दो वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है इश्यू प्राइस, उसको मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, या उसको क्या बोलेंगे? इश्यू प्राइस। इज दैट ओके? सो शैल आई शो यू? टुंग 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 टुंग। ए मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर वाईफाई कौन सा है? तुमको नहीं मालूम है? एसपीसी एफएमएसएम, ये रहा। फिर पासवर्ड, पासवर्ड दिखता नहीं इधर, मैं टाइप करूंगा, तो चिंता मत कर।
देख उधर दिख रहा है क्या, फिर मैं रुक जाऊंगा, दिख रहा है क्या, क्या बताओ, बोल बाबू, पासवर्ड दिख रहा है, वेरी गुड। यार पता नहीं आईपैड में क्या चीज चेंज हो गई, moneycontrol.com, ठीक है बेटा। इधर एक शेयर सर्च करेंगे, आप मुझे बताओ कौन सा करे, HDFC करे। ये देखो HDFC का आज का भाव कितना है, पिछले तीन साल से होता रहा सारा, ये शेयर बड़ा ही नहीं है, 1414.05, ये उसकी मार्केट प्राइस है अगर आज मुझे ट्रेड करना है तो। अब थोड़ा सा मैं नीचे जाऊं, इसकी फेस वाली पैंडी कितनी है, यहां 1 रुपी फेस वैल्यू कितनी है, 1। अपन दूसरी कंपनी देखेंगे, और एक चलो बताओ कौन सी, बताओ कौन सा, टाटा, टाटा में कौन सी देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देख लेते हैं क्या भाव है इसका, 4103, और इसका फेस वैल्यू कितना, 1। मतलब फेस वैल्यू हर एक की 1 ही होती है क्या, हाँ ये चाले नहीं करने का ऐसे। सो राजा बेटा जी एक काम करते, दूसरी कंपनी देख लेते, हाँ रिलायंस देख लेते, हाँ उसका 10 है बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या भाव चल रहा है, 2941.20, नीचे चला फेस वैल्यू कितनी है, 10। सो राजा बेटा जी फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी शुरुआत में बनी थी तब कितने रुपए में वो शेयर दिया गया था, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि कंपनी को अगर आज के तारीख में ये शेयर बेचना है तो कितने में बेचेंगे, जब वो कंपनी छोटी थी तो 10 रुपए दिए थे, फिर समय आगे बढ़ा कंपनी बड़ी हुई तो हमने क्या किया, उसकी मार्केट वैल्यू भी तो बढ़ी ना, कि कंपनी का काम बढ़ा, कंपनी के एसेट्स सारी चीजें बढ़ी, सही है सर नो। मेरे रसगुल्ले बच्चों आप तक ये बात पहुंचाना बिल्कुल जरूरी हो गया है कि शेयर कैपिटल गाना कहां बज रहा है पागल, में नाचने लग जाऊंगा इधर। सो मैं आपको बता रहा हूं कि शेयर कैपिटल राइट, शेयर्स में एक होता है फेस वैल्यू, ये आपको डिवोट करता है वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट, डिविडेंड राइट एग्रीड, और जो आईपी होती है, आईपी को हम क्या बोलते हैं, इश्यू प्राइस, ये वो प्राइस है जिसको ये शेयर, जिस प्राइस पर कंपनी ये शेयर को बेचेगी। तो पहले फेस वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ लेते बेटा, मान लो इस बिल्डिंग में अलग अलग लोगों ने प्रॉपर्टी को अलग अलग रेट पर खरीदा है, स्वीकार है कि नहीं है, प्रेस्टीज पॉइंट एक कॉपरेटिव सोसाइटी है तो प्रेस्टीज पॉइंट में ये कुछ अलग रेट पर खरीदा गया होगा, नीचे के शॉप्स कुछ अलग रेट पर खरीदे गए होंगे, और बाकी की चीजें लोग अलग अलग समय पर अलग अलग रेट से खरीद रहे हैं, और आपको पता है कि उसकी मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, बट सभी को मिलेगा एक एक ही शेयर और उनका वोटिंग राइट रहेगा सिर्फ एक, मतलब जितने यूनिट उनके पास उतने उनके पास वोटिंग राइट। मेरी बात आपके जहन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? Yes, बेटा जी फेस वैल्यू वो चीज है जो डिसाइड करती है कि आपको वोटिंग राइट कितना है। फॉर एग्जाम्पल HDFC का शेयर आपने खरीदा है 4000 रुपए में, एग्रीड, वोटिंग राइट फिर भी आपको एक ही मिलेगा 1 रुपए के हिसाब से, और अगर किसी ने वो शेयर खरीदा होगा 10-15 साल पहले, वो खरीदा होगा 2000 रुपए में या खरीदा होगा 1000 रुपए में, उसको भी वोटिंग राइट कितने का, एक का ही मिलेगा। किसी ने 25 साल पहले खरीदा होगा उसको भी वोटिंग राइट कितना, एक का ही। फेस वैल्यू क्या डिसाइड करती है, वोटिंग राइट, और फेस वैल्यू क्या डिसाइड करती है, आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, एग्री, डिविडेंड मतलब जो कंपनी आपको प्रॉफिट बांटती है वो डिविडेंड आपने कितने में खरीदा उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। आज के तारीख में प्राइजेस ऑफ द शेयर कीप्स चेंजिंग, यस और नो, सो डिविडेंड उस पर नहीं दे सकता कि आपने कितने में खरीदा, डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाएगा बेटा जी, फेस वैल्यू। तो जल्दी से मुझे बताइए फेस वैल्यू क्या चीज डिसाइड करती है, वोटिंग राइट्स और डिविडेंड राइट, इसको ऐसे समझते थोड़ा सा, रेडी हो? मैं बचपन में मूवीज देखा करता था, आप देखते हो तो मूवी हमारे जमाने में, जब हम जाते थे, जब मैं हॉस्टल में था तो मूवी हम जाया करते थे ब्लैक का टिकट लेकर। किसी को ब्लैक टिकट पता है, नहीं पता,
किसको नहीं पता, बिंदास तो क्या हाथ ऊपर कर दो। अच्छा डिड यू वॉच द मूवी पुष्पा? पुष्पा देखी? अच्छा पुष्पा में वो जो हीरोइन थी वो एक मूवी के टिकट के लिए उसको देखकर स्माइल देती है, याद है? और वो टिकट उस समय ब्लैक में मिल रहा था, याद है क्या? तो अब हाँ पीके में भी हुआ था, हाँ उसके अंदर भी हुआ था, बट वो शो था, गजल का शो था, मूवी नहीं थी। हाँ ठीक है, तो ब्लैक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी आपको? अब राजा बेटा जी मैं क्या होता था कि वहां पर जाते थे हम, तो वहां पर मान लो काउंटर पर सर टिकट खरीदा तो वो मिलता था 40 रुपीज में, और अगर बाहर खरीदा तो वही टिकट मिलता था 70 रुपीज में ब्लैक में। तो मैंने वो टिकट कितने में लिया? 70 में, और किसी और व्यक्ति ने जिसने काउंटर से लिया वो कितने में लिया? 40 में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैंने 70 रुपीज देकर लिया है, क्या हीरोइन मेरे लिए ज्यादा नाचेगी? सो इज शी गोइंग टू डांस लिटिल मोर वेल फॉर मी? नो। अच्छा तो फिर ऐसा होगा शायद, मैंने 70 रुपीज दिए तो मुझे जो सीट पर बैठूंगा तो मैं सामने वाली सीट पर पैर रखकर बैठ सकता हूं, तो मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट मिला? इल्ले मेरे को सिर्फ इतनी सी बात दिमाग में रखनी है कि जो फेस वैल्यू है ना वो उस मूवी टिकट में 40 रुपीज के बराबर थी, तो वो ये बताती है कि आपके वोटिंग और डिविडेंड राइट्स क्या रहेंगे। दैट्स इट, फेस वैल्यू पर सौदा नहीं होता, फेस वैल्यू पर खरीदी बिक्री नहीं होती है, फेस वैल्यू सिर्फ ये दर्शाएगी कि आपको वोटिंग राइट्स कितने हैं। तो मान लेते हैं हम इन द बुक्स ऑफ कंपनी जब करेंगे फेस वैल्यू है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10 रुपीज, कितनी है फेस वैल्यू? 10 रुपीज, और इश्यू प्राइस है फॉर एग्जांपल 14 रुपीज। तो इसके एंट्री किस तरीके से होती है बेटा जी? बैंक अकाउंट डेबिट, आई राइट डाउन 14, ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आई विल राइट डाउन 10, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आई विल राइट डाउन। मुझे अभी एंट्री नहीं समझाई, मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि कंपनी की बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा 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 के लिए किस पर जाएगा? फेस वैल्यू। ऐसी कौन सी चीजें जो कंपनी फाइनल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू पर होगा? तो सुन लीजिए, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये किस पर होंगे? फेस वैल्यू। जल्दी से बताओ कौन सी चीजें कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में फेस वैल्यू पर जाती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। लिखो फिर फर्स्ट पॉइंट, सांस लो और लिखो, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ऑन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, underline the word on the balance sheet liability side. I very categorically use the word on the balance sheet liability side, not the asset side. On the balance sheet liability side, following items will be shown at face value. Following items will be shown at face value. Like a first item, equity share capital. Equity share capital, preference share capital, and debentures. And what did I say? Nikal gaya kya? And what did I say? And debentures. Did you write it down? Okay. So, कौन सी चीजें face value पर होती है बेटा? ये तीन चीजें। अब मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं। सो हम आपको और एक चीज बता देते कि यही चीज इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, यहां पर इधर मैं था, राइट, मैंने पैसे लगाए थे, तो कंपनी ने एक एंट्री करी कि कंपनी को पैसा मिला, कंपनी के लिए कैपिटल था, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो जब कभी भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय शेयर कैपिटल, इट इज गवर्न्ड बाय AS-13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसलिए वहां पर शब्द कौन सा लिखा था मैंने? लाइबिलिटी। आपने देखा क्या शब्द? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में फेस वैल्यू, बट यही सेम आइटम असेट साइड में भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? असेट साइड में कब आएगा? जो कोई आदमी खरीद रहा है वो कहां पर लिखेगा? उसके असेट साइड में। सो असेट साइड में इट विल नॉट बी एट फेस वैल्यू, इट विल बी एट कॉस्ट। तो अगर कोई HDFC का शेयर खरीदेगा
तो एचडीएफसी का शेयर खरीदने वाला वो कितने रुपए में दिखाएगा उसको? एक रुपए में? कितने में? 4000 में? वो जो भी रहे प्राइस है 4101 थी ना, तो किसमें दिखाएगा वो? 4101। तो लिखिए, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेस्ड, शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेस्ड, शेयर्स एंड डिबेंचर परचेस्ड विल बी रिकॉर्डेड एट, शेयर्स एंड डिबेंचर परचेस्ड विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। Have you all done so far? Okay. People, can we go ahead now? Here we go. Suno na. I want everyone's attention now completely here. ये यहाँ से हम basic से शुरू कर रहे हैं और हम अभी आपको company final account की share capital की entries को revise करेंगे, जो foundation में हुआ था या 11th-12th में हुआ था या BCom में कहीं तो भी हुआ था, अभी जो भूल गए। तो इसमें हमारा target क्या क्या है कि हमें share capital की entries कैसे होती है वो समझना है और हमें यह समझना है कि शेयर फोरफिट कैसे होते हैं। तो कितने बच्चों ने इस चीज को ऑप्शन में छोड़ा था? कंपनी फाइनल, शर्म की कोई बात नहीं, मैं आप और हम एक साइड में है, ठीक है? तो तुमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता नहीं, बीकॉम के बच्चों को? ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लिटिल फोकस मोर एंड आस्क मी द क्वेरी इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड। सो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपको फेस वैल्यू और कॉस्ट का फर्क समझ में आया? सो कंपनी इसको कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगी? फेस वैल्यू पर। और इन्वेस्टर इसको कौन से वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगा? कॉस्ट पर। हम साथ साथ है, गुड। सो लेट्स राइट डाउन। राजा बेटा जी, अकाउंट्स में 7 आइटम होते हैं, कितने? 7। तुमको जो पसंद आए ले लेना, बॉयज खुश हो जाओ। कितने आइटम बताऊंगा? 7, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। सो पहला वाला एसेट, वाओ। दूसरा वाला लाइबिलिटी, फिर है कैपिटल, फिर है इनकम, फिर है एक्सपेंस, बोलो हां, और दो आइटम और है, डेबिट क्रेडिट। 7 ही आइटम है। इसमें से कानून यह बोलता है असेट को होता है डेबिट बैलेंस। यार क्या चल रहा है, कौन है क्लास में? तो वो सुन नहीं रहे क्या? हाँ, क्लास किसकी है? चालू है क्या? सर है क्या अंदर? ओ आई एम सॉरी, रेंदे 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 बे बैठो। असेट को कौन सा बैलेंस? सो असेट को डेबिट बैलेंस है क्या? ये किसने बोला? अच्छा आप कौन हो? आप कौन हो? अच्छा आप स्वीट हो कि कौन क्या हो? अरे स्वीट क्यूट हैंडसम क्या हो आप? हाँ, ऑल ऑफ द अबव। नहीं बेटा, ये फिर चीज अच्छी नहीं बनेगी। सो यू टेल मी व्हाट आर यू, यू आर स्वीट क्यूट, नहीं क्या स्वीट स्वीट बोला? हाँ, स्वीट क्यूट और हैंडसम या स्मार्ट या क्या क्या वर्ड होते हैं? व्हाट आर यू? नन ऑफ द अबव। सो हो कौन तुम? सो वो तुम्हारा बैलेंस है, तुम बनाते हो ना। तुम बोलते आई एम वेरी क्यूट, आई एम वेरी स्मार्ट, तो तुमने तुम्हारा बैलेंस बनाया ऐसा। तो वैसे ही असेट के लिए हमने बैलेंस बनाया कि उसको डेबिट बैलेंस होता है। यू डोंट अटैच एनी वैल्यू टू इट, इट जस्ट अ साइन गिवन टू इट। Yes or no? जैसे आइस का टेम्परेचर नेगेटिव होता है, जस्ट अ साइन गिवन टू इट, दैट्स इट। वैसे ही असेट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। लाइबिलिटी कौन सा है? क्रेडिट। कैपिटल कौन सा है? क्रेडिट। इनकम कौन सा है? क्रेडिट। एक्सपेंस कौन सा है? डेबिट। ये रूल है, यू कैन नॉट आस्क मी क्वेश्चन व्हाई, दीज आर द रूल्स। तो जल्दी से बता दो, असेट को कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी को, इनकम को, कैपिटल को और एक्सपेंस को। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, शक्कर को बैलेंस होता है मीठा, गुड़ गुड़ साखर मीठा होता है ना? सीधे बैठ, छोरी सीधे बैठ, सीधे बैठ, सीधे बैठ। तुझे पता मैं लाल डब्बे में ट्रैवल किया करता बचपन में, तो उधर नींद, लाल डब्बा नहीं बता रहे, एक बार बैठो
पहले खड्डे अड्डे, तो उधर सोने के लिए ना मैं इस चीज का प्रयोग करता था ऐसा, मतलब नींद लेने की पूरी पूरी तरीके से ताकत लगा देता बॉडी की, हर एक एंगल से सपोर्ट देकर सोने के लिए। मेरे क्लास में कोई ऐसा नहीं बैठेगा, सब लोग कैसे बैठेंगे, इरेक्ट। और अगर तुम ऐसे बैठोगे जैसे वो बैठी है छोरी, तो फिर मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं भी ऐसे पढ़ाऊंगा, तो तुमको गंदा लग रहा हो ना, नहीं लग रहा हूं गंदा? अबे जिंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे फिर, नो फन नो एक्टिविटी, टूल्ड दिस, सिट इरेक्ट अटेंटिव। और ऐसे हंसते ना करो, कितने प्यारे प्यारे लगते हो, आइडिया भी है तुम्हें कुछ, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला रहे। तो शक्कर को कौन सा बैलेंस होता है, मीठा। तो जब कभी भी आप चाय में शक्कर एक्स्ट्रा डालोगे तो और मीठी हो जाएगी, और शक्कर डालोगे तो और मीठी हो जाएगी। वैसे जब कभी भी एसेट बढ़ेगी तो आप करोगे डेबिट, कम होगी तो क्या करोगे क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ोगी तो क्या करोगे क्रेडिट, कम होगी तो क्या करोगे डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो करोगे क्रेडिट, कम हो गया तो क्या करोगे डेबिट, इनकम बढ़ गई तो कर दोगे क्रेडिट, कम हो गया तो क्या कर दोगे डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। से यस, आप मुझे फुर्ती से नाम बताइए कुछ एसेट के, कुछ लाइबिलिटी के, कुछ कैपिटल के, कुछ इनकम के, कुछ एक्सपेंस के, रेडी हो आप? yes, इतना तो बेसिक आता होगा ना। yes, चलो एसेट के एग्जांपल बता दो फुर्ती से। फर्नीचर। yes, हाँ। कैश। फिर प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग। अंडी बंडी शंडी जो अभी नहीं बोल रहे, बिल्डिंग। कौन सा? इन्वेस्टमेंट। फिर डेटर्स, प्रिपेयर एक्सपेंस, हो स्टॉक लेते हो बड़ा, स्टॉक अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाल ले बिल्स रिसीवेबल, तू सांस ले अभी। मैं एक बात पूछू, खोपचे में पूछ रहा हूं, इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। वाह। आपको और एक बात बताऊं, जब लेजर अकाउंट बनाओगे ऐसे, तो इधर बिल्डिंग का अकाउंट बनाया, लैंड का अकाउंट बनाया, मशीनरी का अकाउंट बनाया, बीआर का अकाउंट बनाया, आंखें बंद करके ये बात ध्यान रखना, नींद में उठा के पूछा तो भी ध्यान रखना, इसको कौन सा बैलेंस है? जब भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा तब इधर लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जब क्लोजिंग बैलेंस है तो उल्टे साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ए माकड़, ये नहीं बोलने का, ये क्रेडिट बैलेंस है बोलकर, क्लोजिंग बैलेंस इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड, डू यू ऑल एग्री? ओपनिंग बैलेंस सेम साइड, क्लोजिंग बैलेंस उल्टा साइड। सेस, पूछो आपसे कुछ प्रश्न। शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। फिर वापस, अरे मुझे लगा मैं डायरेक्ट पहुंच सकता हूं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बेस्ट है। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस पक्का। बोरिंग क्या होती है? कौन सा बैलेंस रहेगा? ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब इसमें लपड़ा नहीं करेंगे अभी हम इसको पक्का कर लेंगे, है ना। डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे, बेस्ट है। शिट, लाइबिलिटी के कुछ एग्जांपल दो ना, भाई को नहीं बोला था आज, पूछना बच्चों को। बोरिंग बोलो, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, थोड़ा सा एडवांस बोरिंग। सर आप नाराज हो हमसे, कट्टी है क्या? तो फिर मैं भी कर देता हूं। सर आप चेक शर्ट, और भी कट्टी कट्टी तो कर दे, तो फिर मैं भी कर देता हूं। तो लाइबिलिटी के एग्जांपल बताएंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोरिंग्स। लिख देता हूं अभी, वो बच्चा बता ही नहीं रहा, मैं नहीं बात करता उससे, हम कट्टी है अभी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर बोरिंग्स, फिर बिल्स पेबल, क्या बात है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अरे बाप रे दैया रे दैया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस। वाह कौन है बच्चा,
वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क सर. प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर वारंटी आर ऑल व्हाट? लायबिलिटी, डीटीएल. ठीक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे. एएस 22 बाद में. हाँ बेटू, क्या बोला? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. आई डोंट एग्री दैट इट इज कंप्लीटली अ लायबिलिटी, सो वी टॉक अबाउट इट. ए झंडू पहले एक बार लिख कर लियो. ये लिख कर लिया ना, और मेरे साथ लिखो ना प्लीज. मेरे ऑनलाइन के रसगुल्ले क्या बोलते हैं देख लेते हैं. ए रसगुल्लो, वाह आंसर दे रहे मेरे रसगुल्ले. जिसने फिनेंस एक्ट का क्वेश्चन पूछा है यू नीड टू आस्क इट टू पूजा मैमा. सर आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे? सो धीरे धीरे आपके टॉपिक शुरू हो जाएंगे. पहले आज एक दो दिन हम बेसिक्स में डील करेंगे, जिसके अंदर हम कंपनी को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर उसके कुछ आइटम्स को पहले अलग अलग डील करेंगे, जैसे शेयर कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनकम. इन सभी आइटम्स को हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे पहले, और फिर हम पहले उसको समझेंगे कि क्या चल रहा है, देन विल गो अहेड. इज दैट ओके? ये कर दिया बेटा जी. ये भी सब छापेंगे क्या? सर ऐश्वर्या हाँ है, बच्चन जी के घर पर है, सही से है एकदम. तुम देखी हो फेस टू फेस? No one is going to hurt me. पसंद है तो पसंद है ऐश्वर्या, बट दैट डजंट मीन दैट. देखो जो कोई मुझे सताएगा ऐश्वर्या के नाम से, किसी समय तुम भी सताए जाओगे किसी और के नाम से. ठीक है, सताओ मेरे को क्या लगे. चंपा कैरेक्टर खतरनाक है ना. अभी आपके इंटरमीडिएट में भी कभी कभी कॉल आएगा चंपा का, तब बात करेंगे. चंपा मेरी एक्स है. साला कौन सी बुद्धि में मैंने वो एग्जाम्पल लिया. कौन सा? हाँ अज्यूम करो. सुना तो सर, मैं आपको ये बता रहा हूं, लाइबिलिटीज के बाद में कैपिटल के नाम बता सकते हो आप मुझे? बोलो जरा कैपिटल. कौन सा बोल रहे हो? तो आपने बोला शेयर कैपिटल. गुड़िया लिखते जा. फिर शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी, और कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी. तो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लिख देता हूं. और क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस लिखूं? सो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम लिख देते, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व. बिल्कुल सही. सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम. और कुछ? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. स्वीकार है बेटा? डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, और भी कई प्रकार के रिजर्व्स होते हैं बेटा जी. ये जो तीन आइटम है, सिर्फ यही तीन आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं. से यस. और ध्यान रहे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ इन्हीं तीन आइटम का होता है. इनकम और एक्सपेंस का कभी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है. इनकम और एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट में उस साल के क्लोज हो जाता है. एग्रीड? सो राजा बेटा जी, किसका बैलेंस होता है? सिर्फ असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है. तो इनका ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, बट इनकम और एक्सपेंस ये जनरली क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है. कहां ट्रांसफर हो जाता है सर? पी
एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. इज दैट ओके? ट्रांसफर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांसफर एक प्रोसेस है. ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं, क्या प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब उसके थ्रू वो अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है. जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको मैरिज एक्सपेंस निकालना है या आपका एजुकेशन एक्सपेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? आपके जितने भी खर्चे हैं वो एजुकेशन हेड के अंदर डाल दोगे, हाँ या ना? तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका एजुकेशन का खर्चा या एक्सपेंस मिल जाएगा. डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी, अब हम बात कर रहे हैं इनकम क्या है. अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से उनके अलग अलग इनकम होती है और अलग अलग क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसेस. से यस. तो जल्दी से आप बताने का कष्ट करेंगे. इनकम के एग्जाम्पल, ये जनरली रिसीव्ड होता है और एक्सपेंस पेड होता है. तो एक ही आइटम इनकम का भी स्वरूप ले सकता है और एक ही आइटम एक्सपेंस का भी स्वरूप ले सकता है. सैलरी कैन बी इनकम फॉर विक्की, सैलरी कैन बी इनकम फॉर संतोष, सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर मी. मेक सेंस? इंटरेस्ट इज इनकम फॉर मी, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर बैंक. यस और नो? कमीशन इफ इट इज रिसीव्ड बाय मी इट इज एन इनकम, कमीशन इफ इट इज पेड बाय मी इज व्हाट? एक्सपेंस. रेंट इफ इट इज रिसीव्ड बाय मी इट इज इनकम, रेंट इफ इट इज पेड बाय मी इज व्हाट? एक्सपेंस. डू यू अंडरस्टैंड? सो बेटा जी, इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना कि एक तो वर्ड है रिसीव्ड और एक तो है पेड, और ध्यान से सुनना, इनकम क्रेडिट होता है और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट. मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर आपको आइटम क्रेडिट में दिखे रेंट, तो वो इनकम है. ट्रायल बैलेंस में आइटम अगर आपको रेंट डेबिट में दिखे तो वो क्या है? एक्सपेंस. क्या बेटा? क्या? रॉयल्टी डिपेंड्स की रिसीव्ड है कि पेड है. रॉयल्टी इफ इट इज रिसीव्ड बाय अ ऑथर ऑफ अ बुक इट इज एन इनकम, रॉयल्टी इफ इट इज पेड बाय अ कंपनी इट इज एन एक्सपेंस. तो अभी जरा ध्यान से सुनते जाओ इनकम और एक्सपेंस के एग्जाम्पल्स. तो इनकम के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं? कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड या क्रेडिट बैलेंस. एग्रीड? दूसरा फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वेरी गुड, डिविडेंड रिसीव्ड, और कौन सा आइटम? नहीं, सैलरी वगैरह नहीं लिखी. रेंट रिसीव्ड. इसके अलावा बेटा और कुछ आइटम्स आ सकते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल, फिर नेक्स्ट लॉस ऑन, नहीं इधर नहीं लिख, प्रॉफिट ऑन सेल, इज दैट ओके? नहीं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है. ठीक है. हाँ बेटा, लिख दिया ना बेटा, इंटरेस्ट रिसीव. ओके, शैल वी राइट डाउन नाउ द एक्सपेंस साइड? एक्सपेंस साइड में क्या क्या आ जाएगा बेटा जी? सैलरी, वेजेस, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा. एग्रीड? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक्सेट्रा इज व्हाट आई हैव रिटन. क्या स्वीकार है आप सभी लोगों को? तो राजा बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर और एक आइटम आ सकता है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी प्लांट व्हाटएवर. ये बेटा मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी आप इनकम की एंट्री करेंगे तो इनकम की एंट्री किस तरीके से करेंगे? उसको क्रेडिट करना होगा. यस और नो? आप मुझे बताइए, आपने मुझे क्या दी? फीस. आपने मुझे क्या दी? तो मेरी एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक फीस. इजी? व्हाई फीस इज क्रेडिटेड? बिकॉज फीस इज एन इनकम फॉर मी, इट विल हैव विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. सो आई मेक एन एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? फीस. व्हाट इज द एंट्री यू आर गोइंग टू मेक? फीस टू कैश ऑब्लिक बैंक. मतलब बेटा जी, एंट्री करते वक्त हमें उस आइटम का स्वरूप समझना जरूरी है कि वो इनकम है कि एक्सपेंस है, एंड देन वी कैन मेक द एंट्री. इज दैट ओके? वैसे असेट परचेस की एंट्री बताओ मुझे. असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक. अच्छा, मैंने लोन लिया उसकी एंट्री बताओ. कैश ऑब्लिक बैंक टू बोरिंग. मैंने परचेसेस किया उधार में, एंट्री बताओ. परचेसेस टू व्हाट? क्रेडिटर्स.
डू यू ऑल एग्री? सिमिलरली राजा बेटा जी, मैंने सेल किया उधार में, डेटर्स टू सेल्स, यस और नो? सो डेटर्स इज एन असेट एंड आई हैव क्रेडिटेड इट टू व्हाट? सेल्स. सेल्स इज नॉट माय इनकम. पक्का? सो रसगुल्ले बच्चों, क्या हम अब बेसिक से एंट्री लिख ले और फिर उसके बाद में धीरे धीरे चलते चलते हम कौन सी एंट्री के पास चले जाएंगे? शेयर कैपिटल की एंट्रीज के पास, जो हमारे कंपनी फाइनल अकाउंट का बेस बनना शुरू होगा. फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूल 3 के हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरीके से ऑथराइज शेयर कैपिटल आता है, इशूड शेयर कैपिटल, पेडअप शेयर कैपिटल वगैरह 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 वगैरह. आर यू ऑल रेडी नाउ? सो लिखिए बेटा जी, फर्स्ट आइटम बेसिक एंट्रीज. अच्छा सुनो, स्टाइल क्या रहेगी? सुन रहे हैं? स्टाइल क्या रहेगी? बेसिक एंट्रीज एज इफ हम ऐसे करेंगे कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं. मैं पहले आपको ट्रांजैक्शन लिख कर दूंगा फटाफट फटाफट, आपको आपके नोटबुक में वो ट्रांजैक्शन लिखनी होंगी. एंट्री अभी आपको नहीं करनी है, मैं आपको टाइम दूंगा उसके अंदर आपको एंट्री करनी है. जिन जिन बच्चों को एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो एंट्री को समझाने का काम मेरा. मेक सेंस? सो हियर वी गो. सो फर्स्ट वन, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन, मेरी एंट्री आएगी कैश, बैंक, असेट. तीनों की एंट्री इधर एक के नीचे एक कर देना आजू बाजू में. सेकंड बेटा जी, मैं लिखूंगा परचेस्ड गुड्स. परचेस्ड गुड्स, इसका भी कैश और क्रेडिट. थर्ड वन, सोल्ड गुड्स. गुड्स कैसे सेल होंगे? या तो कैश या क्रेडिट. हुआ? फिर राजा बेटा जी, फोर्थ, गुड्स विड्रॉन. नहीं, गुड्स विड्रॉन नहीं लिखता हूं. ड्रॉइंग ऑफ गुड्स कैश. ड्रॉइंग ऑफ इधर कर देता हूं गुड्स कैश बैंक. लिख रहे आप मेरे साथ ट्रांजैक्शन? फिफ्थ वाला, रिसीव्ड इनकम ओके, अक्रूड इनकम. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. सिक्स्थ लेवल पर, पेड एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स. पेड कैश टू क्रेडिटर्स. पेड कैश टू क्रेडिटर्स. कॉमन डेट. कॉमन डेट सेटल्ड. कॉमन डेट सेटल्ड. बैड डेट्स. डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. सभी नॉन कैश एंट्रीज एक साथ ले ली. बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. पेड एक्सपेंसेस हो गया ना? हाँ. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर ही डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन दोबारा हो गया? हो
कहाँ हुआ? हाँ तो अच्छा ऊपर ही हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, purchased plant and machinery for cash by issue of shares, by issue of shares. 12th, issue of shares, इक्विटी या इक्विटी लो या प्रेफरेंस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश एट पार एट प्रीमियम, ठीक है, किसका है तुमको ये इंतजार, मारो दफा दफा इंटर, सही गलत की परवाह मत करना बेटा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कि तुम सही हो कि गलत हो, तुम नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, डरना नहीं बिल्कुल, पहला रूल क्या है, डरने का नहीं, बिंदास्त करो, सही गलत देखेंगे आगे। वेरी गुड, ये आपको बताना भूल गया कि आपके लेक्चर में एक 10 मिनट का ब्रेक भी है, दे दूं आज जल्दी छोड़ दूंगा तो नहीं चलेगा, हाँ क्या 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 नहीं नहीं खुल जाएगी जल्दी, अभी ब्रेक दूं, अगले आंसर लेके आ जाता, ऐसा मत कर, नहीं जल्दी छोड़ दूंगा, ऐसा मत कर, आज फर्स्ट दिन है, 5 बजे छोड़ दूं, ये क्लास एकमात्र ऐसी जगह जो लोग आके भर भर के पैसे देते पहले फिर बोलते क्लास मत लो, माय लाइफ इज सो इजी आई कैन नॉट टेल यू, इजी है ना लाइफ, बट कल से क्लास 6 बजे तक रहेगी, हाँ ऐसा होता है भाई, लोग आते पैसा देते धना धन फिर बोलते क्लास नको लो सर, हुआ बेटा राधे राधे प्रवीण भाई, वाह वाह साहिबा जी बहुत बढ़िया,
गुड़िया लिखा नहीं आपने, कहाँ है बुक आपकी, पहले लिख लिया? हो गया डन, गुड। Alright, so what are the entries? चलूं कि नहीं चलूं कि और रुकूं? कितने बच्चे अभी भी कर रहे हैं? अच्छा, बिंदास होकर मुझे बता दो जिन जिन बच्चों को एंट्रीज में प्रॉब्लम आई। ओके, तो आप मुझे पूछ लेना, जिस भी एंट्री में प्रॉब्लम आई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सो अभी मैं चालू करूं लिखना। पहली वाली एंट्री बेटा जी, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, असेट टू कैपिटल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड टू कैपिटल, यस और नो? तो मैंने लिखा असेट टू कैपिटल, एग्रीड? सो कैपिटल वाला किस्सा समाप्त हुआ। परचेज गुड्स फॉर कैश एंट्री हुई, परचेसेस टू कैश, और उधार में बाय किया तो एंट्री किया परचेसेस टू क्रेडिटर्स। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंट्री क्या आएगी, कैश टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग टू परचेसेस। ड्रॉइंग ऑफ कैश एंट्री आएगी, ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स टू बैंक, बेटा क्या ये आपको आई एंट्री? yes, या कोई क्वेरी इसमें, यहां तक कोई क्वेरी? ड्रॉइंग्स टू स्टॉक एंड ट्रेड, नो। ये एंट्री की बात कर रहे हो आप? नो, इट इज ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। बेटा एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। व्हेन यू परचेस द गुड्स दैट परचेस इज बुक्ड एज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। Have you understood this first point? जब हम कोई माल परचेस करते हैं तब हम उसको एक्सपेंस बुक कर देते हैं बिजनेस का। फिर होता क्या है कि अगर माल विड्रॉ हो गया बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए तो बिजनेस का खर्चा मानना गलत है, इसीलिए परचेसेस रिवर्स होता है। यू कैन नॉट यूज द वर्ड स्टॉक इन ट्रेड।
क्योंकि आपने पहले परचेस को एक्सपेंस माना था, हाँ या नहीं? वो किसका एक्सपेंस माना था? बिजनेस का, बट आपने उसको यूज किसके लिए किया? पर्सनल पर्पज के लिए. सो हाउ कैन यू अज्यूम द एक्सपेंस एज अ बिजनेस एक्सपेंस? नो. सो फॉर एग्जाम्पल, तुमने सैलरी पेड की तो तुम्हारी एंट्री क्या है? सैलरी टू कैश. बट अगर वो सैलरी आपने पे करी है आपके घर की मेड की, देन द वर्ड कैन नॉट बी सैलरी, इट हैज टू बी ड्रॉइंग्स. तो इसीलिए उस केस में आप सैलरी को रिवर्स करके ड्रॉइंग्स डालेंगे. वैसे यहां पर परचेसेस को रिवर्स किया, क्रेडिट किया और डाला कौन सा शब्द? ड्रॉइंग्स. पॉइंट क्लियर? नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री गुड़िया तब होगी जब बिजनेस में पैसा आएगा. अगर आप पर्सनल पैसा, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक क्लिक कर दिया मेरी बेटी के एजुकेशन का, तो कैश मेरे पास आई नहीं रही, डायरेक्टली जा रही. मैंने एटीएम से स्वाइप किया तो मेरे पास कैश आई नहीं रही, मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए डायरेक्ट जा रहा है, वो ड्रॉइंग्स टू बैंक ही आएगा. ओके. रिसीव्ड इनकम बेटा जी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकम. बेटा अक्रूड इनकम की एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम टू इनकम. और बेटा जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या होगी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. हैप्पी? रसगुल्ले बच्चों, पेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या आएगी? एक्सपेंसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी? एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. Do you all appreciate this? Prepaid expense to expenses. इस एंट्री में अगर आपसे मिस्टेक हुई है चिंता मत करो. Outstanding expense, prepaid expense, income received in advance और accrued income. कितने बच्चों की मिस्टेक हुई इसमें? अभी एंट्री करने का ट्रिक बता दूं. Is that okay? If I, can I explain the trick? Prepaid expense asset है. बोलो क्या है prepaid expense? Asset को कौन सा बैलेंस रहेगा? एंट्री बनेगी prepaid expense to expense. क्योंकि एसेट को उसका बैलेंस दो और एक्सपेंस को क्या कर दो? क्रेडिट. फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? एंट्री बन गई एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक बार बताओ इधर साइड में, बताओ कौन से चार आइटम है? एक प्रीपेड एक्सपेंस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बराबर है, एक अक्रूड इनकम और एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. देखते कितने बच्चों को ये चीज याद है. प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ये एसेट है, इसको डेबिट बैलेंस है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? इसको क्रेडिट बैलेंस है क्या? अक्रूड इनकम क्या है? रिसीवेबल है ना अमाउंट, तो एसेट है, डेबिट बैलेंस है क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. एग्रीड? अब इसकी एंट्री बहुत सिंपल है. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. मतलब जो जो ऊपर दिए हुए आइटम है उनको अपना अपना बैलेंसेस दे दो. एग्रीड? अब जरा इसकी एंट्री करके बताओ मुझे क्या एंट्री होगी. अक्रूड इनकम टू इनकम. टू इनकम जैसे मैं एक काम बोलता हूं, इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट. यस और नो? नाउ व्हाट अबाउट द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री? इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. पूछो एक बात, पूछो 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 पूछ लो. प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताओ. ओके. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बताओ. एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम टू इनकम. दैट्स लवली. आगे बढ़े. रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स. व्हाट इज द एंट्री? कैश टू डेटर्स. या अगर बैंक से पैसा मिला तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू डेटर्स. पेड कैश टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक. वाओ वाओ वाओ. लेट मी आस्क यू, कॉमन डेट सेटल्ड क्या एंट्री होगी? जब कॉमन डेट सेटल होता है इसका मतलब क्या? एक ही व्यक्ति से रिसीवेबल भी है, एक ही व्यक्ति को
पेएबल भी है, दोनों को एक दूसरे से नॉक ऑफ कर दो तो एंट्री क्या बनेगी बेटा जी, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, एग्रीड बेटा जी, बैड डेट्स की एंट्री बता दो, बैड डेट्स टू डेटर्स, एग्रीड बेटा जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो, डेप्रिसिएशन टू असेट बेटा जी, कौन बताएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू पी एंड एल, अच्छा हाँ एक सेकंड, क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू डेटर्स, यस सर आप क्या बोलोगे, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एनीवन एल्स, उसकी आवाज यहां तक नहीं पहुंची होगी, आपको क्या लगता है, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाट इज द एंट्री, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें डेटर्स इफेक्ट नहीं होता है, इसमें दो मिनट मेरे को बोलने दे, इसमें डेटर्स इफेक्ट नहीं होता है, ये पी एंड एल को डेबिट कर एक प्रोविजन क्रिएट किया जाता है जो डेटर्स में से क्या होता है, लेस, इज दैट ओके, इट इज एज अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन आरडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से लेस जरूर होता है, पर उसका इफेक्ट कहां जाता है, पी एंड एल, तो आपको एंट्री लिखकर बता देता हूं, इसकी एंट्री होती है पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डू यू अग्री, अच्छा इसके ऊपर विस्तार से बात होगी जब जरूरत पड़ेगी तब, अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, आप मुझे आरडीडी की एंट्री अभी बता दो, मुझे पता है अभी ये समझा कितना नहीं समझा उसे कोई लेना देना नहीं अभी के लिए, क्योंकि जब मौका पड़ेगा तब हम डेटर्स के ऊपर बात करेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे, मुझे आरडीडी की या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री चाहिए, क्या एंट्री है, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई बच्चा इधर भूलने वाला इस चीज को, पी एंड एल टू डाउटफुल डेट, इसको हाईलाइट कर दिया, ओके नाउ गो अहेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू व्हाट, डेटर्स, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ हम किसको करते हैं, डेटर्स को, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या है, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेस प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज द एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, अच्छा नेक्स्ट एंट्री इधर क्या होगी, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, प्लांट एंड मशीनरी तो समझ में आया, टू टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, से यस, एंट्री बोलो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू व्हाट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डन, ये बेटा हु विल टेल मी इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड एट पार, एट पार का मतलब क्या है, 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में इश्यू हुआ, एंट्री बताओ, बैंक टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड व्हेन दैट इज इश्यूड एट प्रीमियम व्हाट इज द एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक फॉलो करता है इश्यू प्राइस को और शेयर कैपिटल फॉलो करता है फेस वैल्यू को, बैंक फॉलो करता है इश्यू प्राइस को और इक्विटी शेयर कैपिटल फॉलो करता है फेस वैल्यू को, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज द बैलेंसिंग फिगर, बोलो हाँ या ना, ओके, सो एट पार का एक लॉजिक बताता हूं, 10 रुपए का शेयर जब 10 रुपए में इश्यू किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एट पार, जब 10 रुपए फेस वैल्यू हो बट उसकी इश्यू प्राइस 18 है तो बेटा जी दिस इज इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम, इसमें प्रीमियम की अमाउंट कितनी है 8, और उस प्रीमियम को क्या बोलते हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, से यस, वचन दोगे, कैश हमेशा इश्यू प्राइस को फॉलो करेगी, कैश हमेशा इश्यू प्राइस को फॉलो करेगी, क्योंकि लेन देन फेस वैल्यू पर नहीं होता है, लेन देन मार्केट प्राइस पर होता है,
सही है कि नहीं है? बट राजा बेटा जी, डिविडेंड राइट और वोटिंग राइट किसके हिसाब से मिलेंगे? फेस वैल्यू। इसलिए शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा। मतलब मान लो इसने 2000 का शेयर खरीदा होगा कंपनी से, बट अगर उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है तो इसके नाम पर 1 रुपया ही दिखाया जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों की बात पता चल रही है? मुझे तो नहीं पता चल रही है, अगर आप बता पाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा मुझे। मुझे एक बात बताओ, कैश बैंक किसको फॉलो करेगी, इश्यू प्राइस या फेस वैल्यू? और शेयर कैपिटल किसको फॉलो करेगी? इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी ध्यान रखना, सिर्फ शेयर कैपिटल एकमात्र ऐसी चीज है जो किसको फॉलो करता है? फेस वैल्यू को। वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या डिबेंचर, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू फॉलो व्हाट? फेस वैल्यू। ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा जब हम एक टॉपिक पे जाएंगे, बायबैक ऑफ शेयर, यहां पे बहुत काम आएगा। और इश्यूज की एंट्री अब हमें करनी है, टाइम क्या हो चला है 5, तो इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री कल फ्रेश करें या ब्रेक देकर अभी शुरू करें? तो आज क्या है, फ्रेश नहीं हो गया? चलो ठीक है, 1-2 मिनट बात कर सकता हूं क्या? 2 ही मिनट बात कर दूं। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बता दूं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको डॉक्टर के अगर कोई हेल्प चाहिए तो कुछ डॉक्टर्स के नाम, यहां से पुणे से बाहर कितने लोग हैं? ओके, तो मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपने लिख कर ले लेनी चाहिए आपके पास। अगर आपको रेगुलर डॉक्टर चाहिए जो सर्दी खांसी बुखार ऐसी कोई भी चीज, ज्यादा एंटीबायोटिक्स मत लेना, किसी भी हरी गहरी जगह पर मत जाना, तो जो जगह बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। सो आप लिख लो मातोश्री क्लिनिक, यहां से नजदीक है, मातोश्री क्लिनिक लिखा बाय डॉक्टर लाहौटी, राधेश्याम लाहौटी इज द नेम ऑफ द डॉक्टर, मातोश्री क्लिनिक। फोन नंबर नहीं है वहां पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर जाना पड़ता है, क्लिनिक है बैठने का और जाने का, ठीक है? एक और राधेश्याम लाहौटी, डॉक्टर राधेश्याम लाहौटी। अगर आपको चाहिए तो पूजा मैम भी आपको एक डॉक्टर इधर बताएंगे जो इधर ही नजदीक है। सेकंड डॉक्टर लिख लीजिए। अगर आपको एमडी चाहिए, एमडी एमडी मेडिसिन अगर आपको चाहिए रेगुलर में, तो यू कैन राइट डाउन डॉक्टर देवगांवकर, ही इज ऑल्सो नियर बाय, डॉक्टर देवगांवकर, देवगांवकर हाँ। थर्ड लेवल पर लिख लीजिए, अगर आपको एएनटी स्पेशलिस्ट चाहिए, सो यू कैन राइट डाउन डॉक्टर ओसवाल, ये क्या नाम है, अल्केश ओसवाल ना, अल्केश ओसवाल, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि एलर्जीज वगैरह होती है नोज वगैरह में, तो तब डॉक्टर अल्केश ओसवाल, ओके। फोर्थ, अगर आपको लगेगा डॉक्टर फॉर व्हाट, एक और आई स्पेशलिस्ट, सो लिखिए डॉक्टर संतोष भिड़े जेएम रोड, डॉक्टर संतोष भिड़े जेएम रोड। इन सभी को सर्च करेंगे आप गूगल पर तो आपको मिल जाएंगे इनके नंबर्स, और आप जाके आ सकते हो, इज दैट ओके? इसके अलावा अगर आपको कोई और बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट अस नो, दिल की बीमारी है वो, विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ फूड के लिए सुन लीजिए, फूड के लिए सुन लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट वी कैन सजेस्ट यू विच मेस इज बेटर अराउंड ईयर। कितने दिन हुए तुझे आकर? देखो एक बात बता दूं, मैं भी खुद हॉस्टल में रहा हूं, घर में भगवान बैठे रहते हैं, उनको भोग लगता है, वो खाना तुमको मिलता है, मतलब जो तुम्हारे माँ बाप बनाते। इधर थोड़ी सी अपेक्षाएं कम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप एक अच्छे व्यक्ति तब बनोगे जब आप कम साधन में रहना सीखोगे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों की चिड़चिड़ करोगे तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा रहोगे। मेरे बच्चों ने स्माइल करते रहना, ये जो बच्चे की फोटो देखी ना आपने अभी, इस बच्चे का कभी खाने का स्वरूप सुनना या कभी आपको मिले तो इसका वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि 2 या 5 रुपए बचाने के लिए बंदा 7-8 किलोमीटर चलते आता था। और ये संतोष भाई है, ये इसके घर से इधर आया था, राइट, अमरावती से इधर आया था, आज बहुत बेहतर रूप में तुमको दिखता है, पुराने जमाने में ऐसे ही आया था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं आपको, बट मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि संतोष को उस समय, मुझे आज भी याद है कि कुछ भी खाने को दो ये खा लेता था, कभी नखरे करते हुए मैंने नहीं देखा। फिर भी तुम्हें खाना अच्छा चाहिए तो फिर मैं तुमको और एक इलाज बताता हूं, पैसे फेंको सब चीजें मिल जाएगी। जब 5-स्टार होटल का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो ना, पैसे वैसे डालना पड़ता है,
मेरी बात अगर मानो तो विनम्र बनो और कम साधन में जीना सीखो, बहुत मजा आएगा। कभी ऐसे बनो, इतने नाजुक मत बनो, कभी रिवर दिखे तो उसमें कूद के स्विमिंग करने का जो मजा है ना वो लेना चाहिए। डूब गया तो नहीं नहीं ऐसा मत बोले यार। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि भाई साहब थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करिए कि आप खाने पीने पर ध्यान दें और नखरे थोड़े से कम करो। इज दैट ओके? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस एंड टेक केयर। मुझे पता है एक दो दिन डेमो डेमो चलेगा आपका, करते रहना जो भी आपको उचित लगे सही लगे, बट निर्णय आपके हित में लेना। इज दैट ओके? मैं मेरी तरफ से आश्वस्त हूं 100% कि आई एम गोना गिव माय बेस्ट एंड थिंग्स विल बी ऑल ग्रेट। ओके, प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय।